नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज की वीडियो में हम पूरे के पूरे मैथ्स के सिलेबस को खत्म करेंगे। बैंक प्रीलिम्स के मैथ्स को एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं मैथ्स में, सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और जिस लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मैथ्स में तो कभी दिक्कतें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 35 में से 35 ला सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से बाहर कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मैथ्स में। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है नंबर सीरीज के बारे में। यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब दोस्तों पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है 0.5 से मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन गुना कर दीजिए। एक क्वेश्चन आ सकता है एन स्क्वायर का गैप होगा या फिर एन प्लस माइनस में वन हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या तो सीरीज आपका एक क्वेश्चन आएगा इंक्रीज और डिक्रीज पे आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज पे आएगा, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, इंक्रीज के बारे में बात करें तो इंक्रीज होता है प्लस या मल्टीप्लाई पे। जब बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कम गैप आ रहा है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। डिक्रीज वाले में क्या हो जाएगा, डिक्रीज वाले में माइनस हो जाएगा या भागा हो जाएगा, ठीक है। ये कब अप्लाई होगा, जब डिफरेंस पे सीरीज बनेगा तो, ठीक है। इसको हम देखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर के डिफरेंस पे आ सकता है, प्राइम नंबर के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब का मैंने बता दिया कि स्क्वायर का गैप हो सकता है, क्यूब का गैप हो सकता है, तो इन सब पे क्वेश्चन आधारित हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसी प्रकार के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है उसी कॉन्सेप्ट पे आने वाला है। तो ये जो 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इनको अच्छे से देखिएगा आप, ठीक है। मैंने सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रखा है यहाँ पे, पिछले 4 साल के एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है x है, कॉमा में 100 लिखा हुआ है, x कॉमा में 100 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ 375 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1312 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1312.5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सोचेंगे, हमने देखा 0.5 यहाँ पे है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये सीरीज 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखेंगे यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो हम देखेंगे कि 100 से 150 कैसे आएगा। तो 100 को अगर 1.5 से गुना कर दे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे कि 150 को अगर हम यहाँ पे 2.5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा। 375 को हम 3.5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला संख्या आ जाएगा। तो x को कितने से गुना करेंगे तो 100 आएगा, मतलब 200 को यहाँ एक ही घट रहा है ना, मतलब 1.5 के बाद 2.5 हुआ, फिर 3.5 हुआ, अगर पीछे जाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। मतलब 200 को क्या करना होगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, 200, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो देख सकते हैं कि ये 0.5 वाला सीरीज है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया 104 कॉमा एक्स कॉमा 96 कॉमा 120 कॉमा 88 कॉमा 128, गैप निकालिए 40, यहां गैप निकालिएगा 40 से
यहाँ गैप निकालिएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर यहाँ गैप निकालिएगा तो 24 निकलेगा, तो 24 यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है। और ये तो माइनस होना चाहिए कुछ है, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए और यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा फिर माइनस होगा, मतलब ये जो 104 है ना उसमें 8 प्लस होगा फिर 16 माइनस होगा, तो 104 में 8 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, यहाँ तक आप लोगों को शो कर रहा होगा, और 112 में से 16 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, मतलब 96 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, मतलब हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, 112, 112 हो जाएगा, 8 को ऐड करेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 8 3 24, 32 और 8 5 40 होता है। तो देख सकते हैं लॉजिक कितना आसान है, केवल आप लोग अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 15 8 9 15 32, 15 8 9 15 32, क्या करना होगा, ये आधा हो गया, मतलब 0.5 से गुना करके 0.5 को ऐड कर दीजिए, शायद ये लॉजिक लग सकता है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 8 को 1 से गुना करके 1 ऐड कर दीजिए, 9 को 1.5 से गुना करके 1.5 ऐड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क क्या है, 32 की जगह पे है, 32 के बाद है, फिर उसके बाद 32 को यहाँ, उसके बाद 15 आएगा ना, हाँ 15 को 2 से गुना करके 2 ऐड कर देंगे तो 32 आ जाएगा, उसी तरह 32 को 2.5 से गुना करके हम लोग को क्या करना है, 32 को 2.5 से गुना करके 2.5 को ऐड करना है, मतलब जितने से गुना कर रहे हैं उतना ही ऐड करना है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक याद रखिएगा कि जितने से गुना करेंगे उतना ही आपको ऐड करना है, और ये हमने क्या देखा, आधा हो गया, तो हम लोग समझ गए कि 0.5 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, मतलब वही सीरीज है। तो यहाँ जब गुना कीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 प्लस में 2.5 कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि 6, 8, 14, 26 और 46, ठीक है। देखिए कॉमा एक्स, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैसे बनाए, यहाँ पे गैप निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि नंबर जो है बहुत नजदीक है तो गैप भी हो सकता है या कोई और लॉजिक भी होता है, तो सबसे पहले गैप निकाल के देखिए, 2 का गैप आ गया, यहाँ पे 6 का गैप आ गया, यहाँ पे 10 का गैप आ जाएगा, 10 नहीं 12 का गैप आ जाएगा, 12 का गैप आ जाएगा, यहाँ पे 20 का गैप आ जाएगा। अब गैप का गैप निकालिए, यहाँ 4 का गैप आ जाएगा, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का गैप आ जाएगा, मतलब यहाँ 30 हो जाएगा, 20 और 10 30 होता है। अब ये 30 इस वाले में ऐड कर दीजिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46 प्लस में 30 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा आसान है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में देखिएगा और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा 72,000 से सीधा 36,000 हो गया, 36,000 को 3 से भागा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 36,000 को 3 से भागा दिया जाएगा तो 12,000, 12,000 को 4 से भागा दिया जाएगा तो 3,000, 3,000 को 5 से भागा दिया जाएगा तो 600, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 600 को 6 से भागा दिया जाएगा, 600 को 6 से भागा दिया जाएगा तो 100। तो देख सकते हैं कि केवल देख के हमने बना लिया इस क्वेश्चन, क्योंकि ये आसान है तो इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं है कुछ भी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 11, अब यहाँ पे 11 एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 21 दिया हुआ है, यहाँ पे 29 दिया हुआ है और यहाँ पे 41 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जो गैप हो जाएगा वो 12 का गैप हो जाएगा, उल्टा गैप निकाल लीजिए तो, क्योंकि नंबर बहुत नज़दीक है, यहाँ पे 8 का गैप हो जाएगा,
यहाँ पे 5 का गैप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गैप हो जाएगा। कुछ तो लॉजिक हम लोग को मिलता है कि 4 3, अब यहाँ पे जो गैप होगा, यहाँ पे 2 का गैप होगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, और यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 2 5 होता है। और अगर एक और देखें एक्स और इसके बीच में गैप देखें तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 आया तो अब 1 भी आएगा। तो हम लोग को इस 11 में क्या करना है ना, इस 11 में हम लोग को क्या करना है, 2 ऐड करना है, मतलब 13 हम लोग का आंसर हो जाएगा, एक्स की जगह पे 13 आ जाएगा, इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13+ में हम लोग क्या करेंगे, 13+ में 3 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है ना, ये 16 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर 13 जो होगा वो बिल्कुल दोस्तों सही होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने काफी आसानी से बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 7, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 यह देखिएगा, 1800 क्वेश्चन मार्क, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 1800 दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है नहीं पता, 60 दिया हुआ है, उसके बाद 15 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 2.5 दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से भागा, यहाँ पे क्या किया गया है, 3 से भागा, यहाँ पे क्या किया गया है, 4 से भागा, ठीक है ना, 4 से भागा किया गया है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, 5 से भागा, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, 6 से भागा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जब 1800 को 6 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 को 5 से भागा दीजिएगा तो 600 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को हमने दोस्तों हटा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा गया कि 4,3,4, 4,3,4, 9,32, 4,3,4, 9,32 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर इसको बनाएं तो 4 गुना में 1 माइनस में 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना में 2 माइनस में 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 गुना में 3 माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद 9 गुना में 4 माइनस में 4 हो जाएगा, 9 गुना में 4 माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 गुना में 5 माइनस में 5 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 155 होना चाहिए। आप चेक करके देख लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 घटाइएगा 1 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 36 36 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को काफी आसानी से दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है, थीके? तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ही था, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये रिपीट हो गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, क्योंकि 9 वाला रिपीटेड हो गया था, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, और यहाँ पे 210 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ लॉजिक अच्छा लगने वाला है, यहाँ पे क्या किया गया, 1 का क्यूब माइनस में 1 किया गया, 1 का क्यूब माइनस में 1 मतलब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, 2 का क्यूब माइनस में 2 मतलब 8 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये भी सही है, फिर 3 का क्यूब माइनस में 3 हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं समझ में आएगा तो ऐसा कुछ लॉजिक देखिए, लगा देखिएगा लगा के, 27 माइनस में 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद 4 का क्यूब माइनस में 4 तो ये भी अच्छा है, 64 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस में 5 मतलब यहाँ पे हम लोग का आंसर मिल गया 125 25 माइनस में 5 मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऐसे तो आप एक ही लाइन में बना सकते हैं, अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा तो।
ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना होगा, 120 होगा, और उसके बाद 6 का क्यूब माइनस में 6, 216 माइनस में 6 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमने हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि 48 23 एक्स ए 0.5 वाला सीरीज है ये, ठीक है, ये एक नंबर का पूछा जाएगा, 11 ये एक पॉइंट में 2.5 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 48 से 23 आ गया, तो 48 गुना में 0.5 माइनस में 1 ऐसा कुछ किया गया होगा, इसी तरह 23 गुना में 0.5 से गुना करके माइनस 1 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11.5 माइनस में 1 कीजिएगा तो 10.5, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10.5। तो लॉजिक देखिए कितना आसान था और कितने आसानी से हमने बना लिया। तो इसी तरह के दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, 12 में आपसे पूछा गया यहाँ पे 2, 15, 41, 80, 132, यहाँ पे एक्स दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 2 और 15 के बीच में गैप निकाले तो काम चल जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 39 हो जाएगा, यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 52 हो जाएगा, अब यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 65, अब यहाँ पे 132 प्लस में क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है ये सीरीज तो प्लस होगा, 65 करेंगे मतलब 197 हम लोग का आंसर आ जाएगा, 197। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आसानी से बनाया है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बना लिया, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, पूछा गया कि एक्स, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स 15, 75, ये तो अच्छा लग रहा है हम लोग को क्वेश्चन, 525 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 47, 25 उसके बाद 51, 975 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो 15, 25, 75 यहाँ तो 5 से गुना किया गया, यहाँ पे 75 को 7 से गुना किया गया, ठीक है ना, यहाँ पे कितने से गुना किया गया, यहाँ 9 से गुना किया गया, यहाँ पे 11 से गुना किया गया है, तो यहाँ पे 3 से गुना किया जाएगा, मतलब 3 से किसको गुना किया जाए कि 15 आ जाए, तो 5 गुना में 3 क्या होता है, 15 होता है, मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, जो भी ऑप्शन है उसमें देखिए कि किसको गुना किया जाएगा, तो 15 आएगा, तो 5 गुना में 3, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कितना आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान है, ठीक है, आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है 4, 19, 49, x, 229 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, तब ये 60 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 प्लस में 60 मतलब 109, 109 में 120 ऐड कीजिएगा तो 209 भी 229 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ज्यादा आसान है, अंतिम से देखिए तो 7, 5, 35 हो जाएगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ, 7, 5, 35 35 चौके 140 हो जाएगा, 140 दिया, उल्टा से क्या हो रहा है, 5, 3, 2 ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 840, उसके बाद एक्स हो गया 420, उसके बाद 140 और अब 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुना होगा, यहाँ पे 3 से गुना होगा, यहाँ पे 2 से गुना होगा, मतलब हम लोग का रास्ता मिल चुका है, 2 से गुना कर दीजिएगा तो 840 और यही आंसर होगा, फिर 840 को 1 से गुना करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी दोस्तों हमने काफी आसानी से बनाया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, देखिएगा 0.5 वाला सीरीज है ये, तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है कि 0.5 क्या लिखा हुआ है, 0.5 से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 11 नहीं है, 0.5
एक 1.5, एक्स 0.75, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है और यह जीरो। अब जीरो कैसे आगे दिखेगा, 0.5 मल्टीप्लाई में 2, ये आ जाएगा 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1.5 ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से नहीं, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 अगेन आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर हम लोग का आंसर है, 1.5 ही होगा, एक्स का वैल्यू जो होगा 1.5 होगा। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब 1.5 को 1 के बाद 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, और 0.75 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 2 से गुना किया गया, फिर 2 में से 0.5 घटाया गया तो 1.5 हो जाएगा, 0.5 घटते जा रहा है। फिर 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.05 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये लॉजिक था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5 के बाद 15 आ गया, बहुत अच्छा। 15 के बाद 45, 3 से गुना किया जा रहा है ना, 135 यहाँ भी 3 से गुना किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बस 135 को 3 से गुना कर दीजिएगा 405 हो जाएगा, 405 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो जो लिखा हुआ है 1215 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसको भी आपने काफ़ी आसान से बना दिया और केवल 3 से गुना करना है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए, मुझे लगता है कि 17 देख लिए, अब 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को क्या पूछा गया है। 18 में पूछा गया कि 90 96 66 का गैप है, केवल 90 के बाद 96 आता है, 96 के बाद 102 आता है, 102 के बाद 108 आता है, 108 के बाद 114 आता है, 114 के बाद 120 आ जाएगा, 6 ऐड कर दीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद 19 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, पहले हम लोग 380 यहाँ पे भी सेम लगभग उसी जैसा है, 389 380 370 ठीक है। उसके बाद 359 आ गया, उसके बाद x निकालना है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 11 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो -12 हो जाएगा, मतलब 359 -12 कितना हो जाएगा, 347 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 347 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आसानी से बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को और क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, 20 से दोस्तों 20 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया आपसे 1 3 6 x 18 29, मैंने बोला था प्राइम नंबर पे भी आ सकता है। तो देखिएगा 2 का गैप है, 3 का गैप है, 3 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद 7 होना चाहिए, 7 के बाद 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे तक तो समझ में आ रहा होगा कि 6 + 3 हो गया और 6 + 5 हो जाएगा, 6 + 5 कितना होता है, 11, 11 में 7 को ऐड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 18 में 9 नहीं होगा यहाँ पे, 18 + 11 क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 18 + 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर का गैप है यहाँ पे। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नंबर सीरीज में, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सभी हमने करा दिया यहाँ पे। डीआई के डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई आपको देखने को मिल सकते हैं सभी को इस वीडियो में हम टाइप वाइज कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा, ये वीडियो से आप लोग को निश्चित रूप से 5 नंबर तो मिल जाएगा, हो सकता है इस बार 10 नंबर का भी डीआई आ जाए क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले जैसा 5 नंबर का अब डीआई नहीं पूछा जा रहा है, तो मे भी इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो डीआई का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों पहले टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, पहले टाइप के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टेबुलर डीआई है,
यहाँ पे आपको मोबाइल फोन सेलर दिए हुए हैं पांचे PQRST, और 7 दिन में ये कितने मोबाइल बेचते हैं मंडे से लेकर संडे तक में, वो डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी एंड आर टूगेदर ऑन मंडे टू मोबाइल फोन सोल्ड बाई SNT ऑन वेडनेसडे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या करना है, पी और आर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पी प्लस में आर, क्या लिखेंगे, पी प्लस में आर, पी प्लस में आर कब का, मंडे का। ठीक है ना, पी और आर का मंडे का डेटा मांगा है ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस में 80 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप निकालेंगे कब का, उसी तरह निकालेंगे यहाँ पे टू द मोबाइल फोन सोल्ड बाई SNT ऑन वेडनेसडे। एस और टी कब का निकालना है, वेडनेसडे का निकालना है, तो वेडनेसडे का निकाल लीजिएगा एस और टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस में 58 हो जाएगा, तो 12 प्लस में 58 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 120 में से क्या कीजिए, 120 में से 70 को घटा दीजिएगा 50 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई क्यू ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को क्यू कितना बेचता है मोबाइल फोन, एंड सैटरडे, मंगलवार और शनिवार को निकालना है। और यहाँ पे देखेंगे टुगेदर टू द मोबाइल फोन सोल्ड बाई आर ऑन थर्सडे एंड संडे टुगेदर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि क्यू का निकालना है आपको, क्यू का कब का निकालना है, क्यू का निकालना है मंगलवार, ट्यूजडे प्लस में, ट्यूजडे प्लस में सैटरडे का आपको निकालना है। तो ये डेटा ध्यान से देखिएगा, ट्यूजडे प्लस में सैटरडे का आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास है 92 प्लस में 98, ये कितना दिया है 92 प्लस में 98, ये हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा 190। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद आर का ट्यूजडे और संडे का थर्सडे लिखा हुआ है, आर का थर्सडे लिखा हुआ है ना, थर्सडे लिखा हुआ है और प्लस में संडे लिखा हुआ है, संडे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है आपके पास है 13 प्लस में 47 दिया है, 13 प्लस में 47, डेटा आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, किसका किसके साथ रेशियो निकालना है, 190/60 है, 0 से 10 मतलब ये रेशियो आ जाएगा 19:6 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 19:6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, केवल आपको रेशियो निकालना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी एंड एस टूगेदर ऑन वेडनेसडे, मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी एंड एस टूगेदर वेडनेसडे को देखिएगा, पी और एस वेडनेसडे को कितना सोल्ड करते हैं ये निकालना है। पी प्लस में एस लिखेंगे कब का, वेडनेसडे का, ठीक है ना, कब का, वेडनेसडे का हमने लिख दिया, तो ये कितना सोल्ड करते हैं पी और एस, ठीक है, ये निकालना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई टी ऑन संडे, टी का संडे को निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, पी और एस का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 प्लस में 12, मतलब ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और टी ऑन संडे देखेंगे तो ये हो गया 15 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, टी ऑन संडे कितना लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है इस 60 का, पी और एस वेडनेसडे का परसेंटेज निकालना है, टी का संडे के साथ है, गुना में 100 कीजिएगा, आराम से निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, कैलकुलेशन भी आपको ज्यादा हार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज मोबाइल सोल्ड बाई क्यू ऑन वेडनेसडे, क्यू ऑन वेडनेसडे, टी ऑन संडे, पहले देखना होगा क्यू ऑन वेडनेसडे कितना है, तो क्यू ऑन वेडनेसडे हो जाएगा 27 फोन। ठीक है, डेटा आपके लिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है, टी ऑन संडे, तो टी संडे को कितना है, टी संडे को कितना है देखिए, तो टी संडे को हो जाएगा 15, अभी हमने यूज किया था। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे तीसरे में एस ऑन मंडे, एस मंडे को, एस मंडे को कितना है, एस मंडे को कितना है, तो एस मंडे को हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो 102 निकल जाएगा, अब 3 से भागा दे दीजिए तो ये आ जाएगा 34, आपका आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना आसान है, कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, आगे क्या पूछा गया देखिएगा, द मोबाइल फोन सोल्ड बाई पी ऑन ट्यूजडे आर टू टाइप, ठीक है, पी
थर्सडे को दो टाइप के बेचे गए, डेट इज विंडोज फोन और एंड्रॉयड फोन बेचे गए। उनका रेशियो कितना है, यहां से मैं लिखता हूँ विंडोज फोन एंड्रॉयड फोन। तो विंडोज और एंड्रॉयड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 3:4। इस रेशियो में बेचा गया कौन सा मोबाइल, पी को, तो यहाँ ब्रैकेट में पी लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ विंडोज फोन सोल्ड बाई पी ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को देखिए पी कितना बेचा गया, थर्सडे को पी बेचे बेचा गया यहाँ पे 28 बेचा गया है, 28 बेचा गया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है कि विंडोज फोन नंबर ऑफ विंडोज फोन, तो विंडोज फोन का कितना हिस्सा है, तीन हिस्सा है, टोटल कितना हिस्सा है, सात हिस्सा है, सात चौके हो जाएगा, मतलब 12 जो फोन है ना वो विंडोज ये बेचे गए हैं किस दिन, ट्रस्टे को दिन, बृहस्पतिवार के दिन का ये डेटा दिया हुआ है 12, जो कि आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ नीचे लिखता हूँ, 12 विंडोज फोन बेचे गए हैं कब, ट्रस्टे को, 12 विंडोज फोन बेचे गए हैं ट्रस्टे को, ठीक है, अभी आप लोग को दिख रहा है। अब देखिएगा आगे, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। अब हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे डेटा। अब दोस्तों अगले टाइप के डीआई को देखिएगा, इसमें आपको तीन कंपनी दिए हुए हैं, तीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर लिया जाता है, तीन कंपनी पी क्यू आर है और तीन प्रोडक्ट एबीसी है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए एंड बी रिसीव बाई आर इज हाउ मच मोर देन टोटल आइटम बी एंड सी रिसीव बाई क्यू। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले किसके द्वारा, ए और नहीं, पहले किसके द्वारा, आर के द्वारा ए और बी का निकालना है, ए और बी, ए बी का निकालना है। तो कितना रिसीव किया जाता है, 80+100, कितना 80+100, मतलब ये हो जाएगा 180 प्रोडक्ट रिसीव होते हैं ऑर्डर। उसके बाद हम लोग को करना है क्या है, उसके बाद हम लोग को लिखा हुआ है क्यू का, क्यू का बी और सी, क्यू का क्या निकालना है, बी और सी, क्यू का क्या निकालना है, बी और सी। अब बी और सी निकालना है क्यू का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70+90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70+90 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा, मतलब 160 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 160 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 180 में से 160 को घटाइएगा, 180 में से 160 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब 20 ज्यादा है, दोनों का गैप निकाल देना था 20। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जब भी ज्यादा हो कम हो तो क्या करना होता है, गैप निकालना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फाइंड द टोटल ऑर्डर ऑल थ्री आइटम रिसीव बाई आर इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल ऑर्डर ऑल थ्री आइटम रिसीव बाई क्यू, मतलब क्यू का तीनों ऑर्डर, आर का तीनों ऑर्डर, तीनों को पहले ऐड करना है, फिर कितना ज्यादा है क्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो आर का पहले देखिए, आर का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि डेटा टेबल बहुत ही आसान है, आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि आर का ऑर्डर कितना है तीनों कंपनी से, मतलब तीनों कंपनी से तीनों प्रोडक्ट का। तो 80+100+30, ये आर का ऑर्डर हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, आर का ऑर्डर हो गया 210। और क्यू का ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्यू का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 40+70, 40+70+90, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 200 हो जाएगा। अब दोनों के गैप पे कितना है, 10 हो जाएगा, दोनों का गैप 10 हो जाएगा, परसेंटेज निकालिएगा, 10/ में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कट गया, और यहाँ पे 5 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को भी काफी आसानी से बना लिया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड डी फाइंड रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए एंड बी रिसीव बाई पी टू द टोटल आइटम बी और सी रिसीव बाई क्यू, मतलब क्यू के द्वारा बी और सी का ऑर्डर और पी के द्वारा ए और बी का ऑर्डर जो होगा उनका रेशियो निकाल देना, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो पी का ए और बी के द्वारा जो ऑर्डर रिसीव किया गया उसको हम लोग लिखते हैं, पी का ए और बी के द्वारा जो ऑर्डर रिसीव किया गया 80+60 हो जाएगा, 80+60 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता चल गया 80+60 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 80+60, और ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग को देखना है क्यू का बी और सी, क्यू का बी और सी, क्यू का क्या हो जाएगा, बी और सी। तो
तो यहाँ पे क्यू का बी और सी हो जाएगा 70 प्लस में 90 हो जाएगा, 70 प्लस में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 70 प्लस में 90 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद रेशियो निकाल देना है, तो 14 140 बाई कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा, मतलब 7:8 आपका रेशियो निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप चाहे तो 30 सेकंड में बना सकते हैं या मैक्सिमम 40 सेकंड में तो बन सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ आइटम बी रिसीव बाई क्यू एंड आर इज वॉट परसेंट ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम ए रिसीव बाई क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यू के द्वारा, क्यू और आर के द्वारा बी का ऑर्डर निकालते हैं। तो क्यू और आर के द्वारा बी का ऑर्डर, तो देखिएगा बी का ऑर्डर निकालना है हम लोग को क्यू और आर के द्वारा, क्यू आर के द्वारा बी का ऑर्डर। तो क्यू आर के द्वारा बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा पहले देखिएगा, तो यहाँ पे 70 प्लस में 100 हो जाएगा, 70 प्लस में 100, डेटा टेबल देखिए 70 प्लस में 100 मतलब 170 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्यू आर के द्वारा इसका एवरेज भी निकालना है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज किसका किसके साथ निकालना है, देखते हैं किसका किसके साथ है। ये जो एवरेज आया इस एवरेज का किसके साथ परसेंटेज निकालना है देखिएगा, ऑर्डर ऑफ आइटम ए रिसीव बाय पी, तो वो कितना 80 दिया हुआ है पी के द्वारा, ए का जो ऑर्डर रिसीव किया गया वो 80 है, गुना में 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 10 से 10 कटेगा। अब यहाँ पे चार, यहाँ पे काट के अगर ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, मैं सीधा आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, 106 फ्रैक्शन 1/4 प्रतिशत हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, काफी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द टोटल ऑर्डर ऑफ ए बी सी रिसीव बाय पी, ए बी सी रिसीव बाय पी आपको निकालना है, टोटल ऑर्डर ए बी सी रिसीव बाय पी, इनका क्या करना है एवरेज निकालना है कि टोटल निकालना है, टोटल निकालना है पी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा आप ऐड कर दीजिए, 80 प्लस में 60 प्लस में 50 मतलब 190 हो जाएगा, सीधा तो लिखा हुआ है ना, तो 190 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 80 प्लस में 60 प्लस में 50 हो जाएगा पी के द्वारा एबीसी का ऑर्डर जो रिसीव किया गया। तो देख सकते हैं कि ये तो तुरंत 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने वाले होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जो तीन क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, तीन से चार क्वेश्चन जो काफी इजिली बन जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको फंसाएगा। चलिए अगला देखिएगा, पाई चार्ट हमारे सामने आ चुका है, और पाई चार्ट का दोस्तों अच्छा क्वेश्चन होता है, देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा पाई चार्ट। यहाँ देखिएगा टोटल बुक सोल्ड होता है, चार अलग अलग शॉपकीपर है वो सोल्ड करते हैं, चार पांच, पांच अलग अलग शॉपकीपर है। तो यहाँ देखिएगा इफ नंबर ऑफ फीमेल बाउट, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ फीमेल बाउट द बुक इन स्टोर ई इज 20 मोर देन नंबर ऑफ मेल, मतलब मेल मान लीजिए एम है, मेल कितने एम है, तो एम से 21 ज्यादा है फीमेल। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 20 मोर देन द नंबर ऑफ मेल हु बाउट द बुक सेम स्टोर हो जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु बाउट बुक स्टोर ई, ई से जो बुक खरीदते हैं उनके बारे में हम लोग को टोटल नंबर निकालना है। तो ई से अगर मान लीजिए कि मेल और फीमेल दोनों निकाल ले, तो मेल फीमेल दोनों कितना निकल जाएगा ई से केवल, तो 22% ऑफ है 550, 22% ऑफ कितना हो जाएगा 550, 10 से 10 पांच से कटेगा, पांच से दुना हो जाएगा 11 बार में, और ये भी 11 बार में, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन में क्या कीजिए ना, इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ एफ को ऐड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेस लेके लिखे तो फीमेल यहाँ भी ऐड कर दिए, फीमेल यहाँ भी ऐड कर दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेल फीमेल आ जाएगा, और यहाँ से फीमेल प्लस में फीमेल टू फीमेल हो जाएगा, तो टू फीमेल इक्वल टू में, यहाँ पर लिखिएगा टू फीमेल इक्वल टू में मेल प्लस में फीमेल, मेल प्लस में फीमेल प्लस में 21, जो कि कितना दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है टू फीमेल इक्वल टू में कितना हो जाएगा, टू फीमेल इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू फीमेल इक्वल टू में 121 हो जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 142 बटे में दो मतलब 171 हो जाएगा, मतलब फीमेल कितनी हो जाएंगी 71 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने काफी आसानी से
बना लिया। चलिए तो ये क्वेश्चन हमने 71 निकाल लिया फीमेल। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ऑप्शन में भी आप लोगों को 71 दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पाई चार्ट का, ठीक है। दो हमने टेबुलर बनाया, अब एक पाई चार्ट है, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ डी। डी का हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डी का सेंट्रल एंगल, यहाँ डी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखने के बाद यहाँ डी लिखेंगे और ये डी में कितना परसेंट है, यहाँ 32% लिखा हुआ है डी का, और गुना में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक सर्कल कितने का होता है, 360 का। तो 360 का 32% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 115.2 डिग्री हो जाएगा, 115.2 डिग्री हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी कितना आसान है और कितने आसानी से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल बुक सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर, ठीक है। तो जो लंबा क्वेश्चन होगा उसको स्किप कीजिएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पांचों के पांचों आसान आएंगे, बहुत जल्दी बना सकते हैं, बट स्किप भी करना सीखिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। अब ए और सी टुगेदर आपको निकालना है, तो ए और सी को ऐड कीजिए और परसेंटेज निकालिए। तो ए और सी का कितना निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और सी, तो ये हो जाएगा 34%, ठीक है। 34% ए और सी को ऐड कीजिए, 18 और सी कितना है यहाँ पे 16, तो 34% है किसका, 550 का। 34% 550 का एक बताऊंगा, उसके बाद तो आसानी से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 से काटेंगे इसको, सब जगह 100 आएगा परसेंटेज का, 50 दुना आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 से 1 से 11, ठीक है ना, 110 आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा, और ये 17 बार में, मतलब ए और सी का कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आगे पूछा गया कि इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, डी और ई के साथ, जो किताब सोल्ड होता है। तो डी प्लस में ई का पहले ऐड कीजिए, तो डी और ई का ऐड कीजिएगा, तो डी का देखिए 32 है और ई का कितना है, 22 है, मतलब ये दोनों ऐड होकर 54 हो जाएगा, 54 का आधा कीजिएगा 27 हो जाएगा। बस 27 को 11 से गुना कर दीजिए, ये 11 आ गया ना, तो 11 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 307 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो इतना भी नहीं करना था, ये 11 को हटा दीजिए, ये 17 को केवल याद रखिए और ये 27 को केवल याद रखिए, और रेशियो को लिख दीजिए 17 और 27 लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए 17:27 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया, क्योंकि 550 तो दोनों के पास है, तो उसको हम क्यों लिखेंगे, सीधा 34 का रेशियो हम क्या करेंगे, 54 के साथ निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना भी आप लोग को नहीं करना है, सीधा ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि 550 दोनों में कॉमन है। चलिए आगे देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ बुक सोल्ड बाय ए ई, ए और ई का देखिएगा, तो ए प्लस में ई कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 40 हो जाएगा, 40 का आधा कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा उसका आधा करना और 11 से गुना करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा था क्यों 11 से गुना करना है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज का 100 होगा, 50 से कट जाएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे देखिएगा 11 से हमने गुना किया, और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है, यहाँ रेशियो नहीं निकालना है, और किसका निकालना है, सी और डी का निकालना है। तो सी प्लस डी कीजिए, सी और डी कीजिएगा 48 हो जाएगा, 48 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुना में 11 कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग घटा के देखेंगे तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। दोनों को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, दोनों का एवरेज भी तो निकालना है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, इसका एवरेज 110 आ जाएगा, और इसका औसत कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो 110 को 132 में से घटा देंगे तो 132 माइनस में क्या हो जाएगा, 110, यही काम करना था, दोनों का एवरेज निकाल के घटाना था, मतलब 22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी कैलकुलेशन बहुत कम है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, और भी इससे भी छोटा कर सकते हैं, बट मैंने किया नहीं। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो जाता है, तो हम डीआई को भी चेंज कर लेते हैं, पाई चार्ट बनाने के बाद हम देख लेते हैं कैशलेट डीआई। दोस्तों आजकल ये पूछा जा रहा है, मुझे याद है कि 2019 में ग्रामीण बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो कैशलेट डीआई भी आप लोग देख के जाइएगा कि अगर गलती से पूछ दिया गया तो आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कैशलेट डीआई बहुत अच्छा होता है, कैशलेट डीआई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैशलेट डीआई, ठीक है। देखिएगा कैशलेट डीआई में क्या दिया है,
फाइंड नंबर ऑफ इंप्लॉई वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कैसे डीआई का, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 5 डिपार्टमेंट इन ए कंपनी, देयर आर ए टोटल 90 इंप्लॉई इन ए फाइनेंस विच इज 25% ऑफ टोटल। मतलब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। टोटल मान लीजिए टी हो गया, और ये पहला लाइन क्या बोला गया, विच इज 25% ऑफ टोटल, मतलब इसका 25% क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से टोटल क्या निकलेगा, टोटल निकल जाएगा 360 निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए टोटल 360। डेटा हमें बहुत जगह चाहिए होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो टोटल हमने निकाला। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल हमने निकाल लिया, 360 निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, देयर आर टोटल 90 एम्प्लॉई इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये भी लिख लीजिए कि फाइनेंस में कितना है जिसमें से 90, फाइनेंस में कितना है 90। तो यहाँ जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, 90 एम्प्लॉई है फाइनेंस में। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो एक एक डेटा को निकालना होगा, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो क्वेश्चन आसान है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 2/9 ऑफ टोटल एम्प्लॉई आर वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में कितना है, एचआर डिपार्टमेंट में कितना है 2/9, 2/9 ऑफ 360, 2/9 ऑफ 360 मैं काट के डायरेक्ट लिखूंगा 80 हो जाएंगे, मतलब एचआर में कितने 80 एम्प्लॉई है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद एचआर में 80 एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 25% मोर देन एचआर डिपार्टमेंट सेल्स में, ठीक है, सेल्स में 1/4 25% का क्या मतलब, क्या होता है 1/4 मतलब 20 एम्प्लॉई है सेल्स में, कितने एम्प्लॉई है 20 एम्प्लॉई है सेल्स में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 25 मोर देन मतलब 20 ज्यादा है, मतलब टोटल 100 एम्प्लॉई होंगे, 24 कितना लिखा हुआ है 25 मोर देन मतलब 100 एम्प्लॉई हो जाएंगे, ये 25 मोर देन 80 का 125% है। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 20 से चौके 20 से पच्चे, और ये हो जाएगा 25 बार में, मतलब मैंने 100 बताया था, सही बताया था क्योंकि 20 आया था ना, तो 20 ऐड कर दिया 80 में से। उसके बाद सेल्स में हो गया 100 एम्प्लॉई, उसके बाद यहाँ पे सेल्स में पूछा गया 100 एम्प्लॉई हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशियो बिटवीन द एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड हाउसिंग इज 4:5। अब यहाँ लिख लीजिए सिक्योरिटी और हाउसिंग, हाउसिंग कितना दिया है 4:5, इसके बारे में रिमेनिंग में हो जाएगा सिक्योरिटी और हाउसिंग, तो सब डिपार्टमेंट हो गया कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 360 हो गया टोटल। अब एचआर में 80 है और यहाँ पे कितना है, फाइनेंस में 90 है, मतलब 170, मतलब टोटल हो गया 270, 270 में से 90 जाएगा, 270 में से 90 जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाकी 270 में से 270 360 में से जाएगा तो 90, ठीक है। रिमेनिंग हम लोग लिख लेते हैं, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 माइनस में 270, मेरे पास जगह कम है दोस्तों, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को निकालना है यहाँ पे, नीचे लिख सकता हूँ ना क्योंकि नीचे जगह है हम लोग के पास, ठीक है, थोड़ा सा हम जगह बना सकते हैं, देखिएगा। अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा, जो 270 आप लोग को नहीं दिख रहा था वो दिख रहा होगा। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी दो डिपार्टमेंट जो है ना, कौन सा है, एस मतलब क्या लिखा हुआ है, एस मतलब सिक्योरिटी, तो एस सी लिख लेते हैं। तो सिक्योरिटी में कितना हो जाएंगे, सिक्योरिटी में हो जाएंगे 90 का 4/9, मतलब 40 एम्प्लॉई सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में 40 एम्प्लॉई हो जाएंगे, और हाउस क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी रेशियो हाउसिंग डिपार्टमेंट, वहाँ हो जाएंगे 50 एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये पूरा डेटा हमने निकाल लिया, तो ये डेटा आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पूछा गया कि फाइंड इन नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉई एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। एचआर का देखिए, एचआर में कितना 80 है, एचआर में कितना 80 है, और किसका किससे ज्यादा निकालना है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी में कितना, सिक्योरिटी में 40 एम्प्लॉई है, ये दिख रहा होगा, सिक्योरिटी में टोटल 40 एम्प्लॉई है, तो कितना ज्यादा है ये आपको निकालना है, ठीक है ना, कितना ज्यादा है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, एक टेबल बना ले तो ज्यादा अच्छा होगा, मैंने तरीका बता दिया कि कैसे कैसे मैंने बनाया, अब इसका एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। आप बनाते जाइएगा, पहले टेबल बना लीजिएगा, उसमें टेबल में सजाना है आप लोग को, ठीक है। ऐसे करके एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सेल्स से पहले रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस रखते हैं,
उसके बाद यहाँ पे एचआर रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी रखते हैं, एससी रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हाउसिंग रखते हैं, एचएस रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे टोटल टोटल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल, ठीक है, ये आप लोग दिख रहा होगा। अब यहाँ पे डेटा को फिल कीजिएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये निकाला था हमने, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 50 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 360 अभी हमने निकाला था, तो ये भी हमने लिख लिया, सब डेटा लिख लिया। अब हम लोग से पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। एम्प्लॉई वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो एचआर में 80 है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कितना है, सिक्योरिटी मुझे ये दिख रहा है 40 ज्यादा है, ठीक है ना, तो 80 में से क्या जाएगा, 40 जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, सिक्योरिटी बाद में आया तो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में गुना में 100 करेंगे, तो 40 बटे में 40 हो जाएगा, मतलब 100% आ जाएगा, 100% ज्यादा है, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जो लास्ट में दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, जिनको 35 में से 35 लाना उनके लिए अच्छा ये क्वेश्चन है। ओ सॉरी मैंने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल्स फाइनेंस एंड हाउसिंग, तो मुझे फिर से लिखना होगा, गलती से मैंने पूरा मिटा दिया, ध्यान देना था मुझे, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, और ये ऐसे, ये ऐसे, पहला में क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, फाइनेंस लिखा हुआ है, उसके बाद एचआर लिखा हुआ है, सेल्स फाइनेंस एचआर सिक्योरिटी हाउसिंग टोटल, तो ये 40 लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइनेंस में 90 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय सेल्स फाइनेंस और हाउसिंग, सेल्स फाइनेंस हाउसिंग का अगर देखेंगे तो 100 प्लस में 90 प्लस में 50 बटे में एवरेज निकालना है, तो 3 से भागा देंगे, मतलब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, क्योंकि 240 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन हाउसिंग डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो कितना ज्यादा है हाउसिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट कितना है ये, और ये 40, तो ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, 10 से 50 में से 40 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 एम्प्लॉई ज्यादा है, यही आपसे पूछा गया है, तो ये तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, देख के निकाल सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, अब क्वेश्चन आसान आएंगे इस पे। इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40% आर फीमेल एम्प्लॉई, फाइंड द मेल एम्प्लॉई इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉई निकालना है, तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 40% अगर फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब सिक्योरिटी में देखिए 40 है, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, 40 का 60% हो जाएगा 24, 40 का 60% क्या हो जाएगा, 24, ठीक है, देखिए आंसर में ऑप्शन नंबर ई में दिया है 24, तो क्वेश्चन देखिए देख के बनने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। अब देखिएगा रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉई इन एचआर डिपार्टमेंट इज 2:3 हो जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट में कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया है, मेल इज टू फीमेल का, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट का पहले डेटा लिखिए, टोटल एम्प्लॉय लिखिए, टोटल एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में कितना, 80 है, टोटल एम्प्लॉय कितना, 80 हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, मतलब 3/5 हो जाएगा, 16 बार में कटेगा, मतलब ये फीमेल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 होगा, मैंने गलती से नहीं निकाला है ना, पहले मेल है कि फीमेल है, पहले मेल है, तो सही किया मैंने, 48 किया है मैंने, सही किया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 48, क्योंकि रेशियो दिया था मेल इज टू फीमेल 2:3, टोटल हो जाएगा 5 और फीमेल है 3, तो 3/5 है, 80 का निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। तो ये भी क्वेश्चन हमने दोस्तों काफी आसानी से बना लिया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिएगा टाइप यहाँ दोस्तों चेंज हो रहा है, टाइप यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पैसेंजर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब है, टाइप चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये आ गया कौन सा, लाइन ग्राफ आ गया, ठीक है, लाइन ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या शो किया है, पैसेंजर ट्रेवलिंग ए बी सी डी ई डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, अलग अलग कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते हैं 5 पैसेंजर ए बी सी डी ई तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिएगा
पहला क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर टोटल पैसेंजर इन ई आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पैसेंजर इन ए, ठीक है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा, हम लोग को निकालना होगा कि ई में कितना है। तो ई में ध्यान से देखेंगे तो ई में कितना 36 है, ई में कितना है, ई में कितना है, यहाँ पे 33 दिख रहा है ना, ई में 33 दिख रहा है और ए में 36 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए में 36 और ई में 33 ये दिख रहा है मुझे। अब आपसे पूछा गया कि व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ ए के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। तो ए इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 36 नीचे चला जाएगा, गुना 100 कर देंगे, यहाँ 12 बार में कटेगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 से कटेगा 25 बार में, 3 बार में 25 बटे में 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 25 बटे में 3, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 8.1/3% लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, ये DI चेंज हो गया अब, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ए सी ई। तो केवल लाइन ग्राफ जो होता है वो दोस्तों बहुत आसान होता है, केवल आपको क्या करना होता है डेटा को थोड़ा ध्यान से देखना होता है लाइन ग्राफ में, ठीक है। तो ए का जब डेटा देखिएगा तो अभी लिखा था हमने, ए का डेटा लिखा था 36 लिखा था, सी का डेटा लिखा था, सी का ए सी ई 27 हो जाएगा और ई का भी लिखा था 33 लिखा था, इसको 3 से भागा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 69/3 हो जाएगा, 96/3 मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पैसेंजर इन बी टू द ए टू डैट डी। तो बी और डी का क्या हम लोग को निकालना है, रेशियो निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों जैसा है, केवल मैंने बताया कि डेटा टेबल को आपको अच्छे से देखने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को देखना है कि डी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, डी का देखिएगा 18 दिया हुआ है और बी का 18 दिया हुआ है, बी का देखिएगा 18 दिया हुआ है, ठीक है। बी का कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, बी 18 दिया हुआ है, डी का देखिएगा डी दिया हुआ है 22। अब दोनों को काटिएगा 2 से, 9 बार में 11 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9:2 में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9:2 में नहीं दिख रहा आप लोगों को, नीचे मैं लिख देता हूँ 9:11 हो जाएगा, ठीक है ना, 9:11 हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, टोटल पैसेंजर इन सी एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो कितना परसेंट ज्यादा है ए की तुलना में, तो जो परसेंटेज निकालेंगे हम ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो सी और ई का अगर टोटल लिखना चाहे तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा है सी प्लस में ई, सी प्लस में ई टोटल अगर लिखे तो 27 + 33 कितना हो जाएगा, 27 + 33 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 27 + 33 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है ना, हम लोग को 60 ए के तुलना में। तो ए का कितना निकाले थे शुरुआत वाले क्वेश्चन में, 36 निकाले थे, अपॉन में ए के तुलना में परसेंटेज निकाल देना है, गुना में 100 कर देंगे, मतलब 24/36 हो जाएगा, 24/36 से गुना में 100 हो जाएगा, 12 दुना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा, जब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 200/3 आ जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा, 200/3 मतलब 66.2/3% निकल जाएगा आपका आंसर, 66.2/3%, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे मैंने परसेंटेज का 100 लिखा है जो कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, परसेंटेज का 100, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने परसेंटेज का 100 लिखा है, काटा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा गैप लेके लिख देता हूँ, यहाँ पे गुना में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 24/36 आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब वे आप लोगों को दिख रहा होगा, अब ये 12 दुरा हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा और ये आ जाएगा 66.2/3% आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66.2/3। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बी सी डी टुगेदर, बी सी डी टुगेदर, बी कितना है यहाँ पे दिखेगा, बी सी डी, तो यहाँ पे बी सी डी एक साथ आपको टोटल निकालना है, तो केवल जोड़ देना और कुछ नहीं करना है, तो इस चीज को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, केवल ऐड करना है, हम लोग को क्या ऐड करना है ध्यान से देखिएगा, बी
प्लस में सी प्लस में डी, बी सी डी। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 18 प्लस में 27 प्लस में 22, मतलब आंसर आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा? 67। तो दोस्तों लाइन ग्राफ भी हमने बना लिया। अब दोस्तों अगला टाइप देखिएगा, बहुत ही अच्छा टाइप है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले इस बार ग्राफ को समझते हैं। ये लाइन ग्राफ के जैसा ही होता है, इसमें आपको 6 स्टोर दिया हुआ है जो कि अलग अलग बुक को सोल्ड करता है, ठीक है ना। 15 अप्रैल 2015 को सोल्ड करता है और अलग अलग डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर टी 15 अप्रैल 2015, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल बुक सोल्ड बाय यू 15 अप्रैल 2015। मतलब सेम डेट है यहाँ पे, केवल आपको देखना है कि कौन किससे ज्यादा है और कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टी कितना बेचता है, टी बेचता है 180 बुक बेचता है। टी कितना बेचता है, तो 180 बुक बेचता है, ठीक है। टी कितना बेचता है, 180 बुक बेचता है, ठीक है। और वहीं पे यू कितना बेचता है, तो यू 100 बुक बेचता है। यू कितना बेचता है, 100 बुक बेचता है। और यू बाद में दिया है, तो यू के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल देंगे, गुना में 100 कर देंगे, 80/100 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 80%। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना दिया। ये परसेंटेज का आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम कैमरा को थोड़ा सा मूव करते हैं, अब आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई आर एंड एस है। आर और एस का निकालना है, तो आर और एस का डिफरेंस निकाल लीजिए, आर प्लस में एस है। एवरेज निकाल लीजिए पहले, आर और एस का एवरेज कितना होगा वो पहले निकालिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 प्लस में 90, 120 प्लस में 90 हो जाएगा आर और एस है, बटे में 2 हो जाएगा। सॉल्व करके लिख लीजिए, सॉल्व करके लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसको सॉल्व करके, तो ये कितना आ जाएगा, 120 प्लस में 90 210 हो जाएगा, मतलब 105 आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया एवरेज। उसके बाद लिखा हुआ है आर एस का एवरेज निकल गया, एंड एवरेज ऑफ क्यू और यू, क्यू और यू का भी एवरेज निकालना है। तो क्यू प्लस यू उनका भी एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा क्यू और यू का, 60 प्लस में 100 हो जाएगा, 60 प्लस में 100 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। एवरेज के लिए 2 से भागा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास, ये आ जाएगा 160, मतलब 80 आ जाएगा। तो दोनों हमने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 105 में से 80 को घटाइएगा तो अंतर कितना निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 105 माइनस में 80 कितना आ जाएगा, 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने दोस्तों अच्छे से बना लिया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। टोटल बुक सोल्ड बाई स्टोर आर ऑन 15 अप्रैल, मतलब स्टोर आर 15 अप्रैल 2015 इज व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन टोटल बुक टी ऑन 15 अप्रैल 2015, मतलब आर और टी के बीच में परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंट कम है वो निकालना है। तो टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आर को देखेंगे ना, किसका पूछा गया, आर का, तो आर का कितना दिया हुआ है डेटा, अभी यूज किया था हमने, आर का लिखा हुआ है 120, आर का लिखा हुआ है 120 है, और क्या लिखा हुआ है, और टी का लिखा हुआ है क्या, और टी का कितना लिखा हुआ है, टी का लिखा हुआ है यहाँ पे आर का 120 लिखा हुआ है, ठीक है, आर का 120 और टी का 180 लिखा हुआ है, टी का 180, दोनों के बीच में गैप लिखेंगे 60 आ जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हम लोग को, 180 के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में, गुना में 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100/3, यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 100/3, मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो 33.1/3% है आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने अच्छे से बना लिया। आगे देखिएगा टोटल बुक सोल्ड बाई टी 15 मई 2015। अब यहाँ डेटा कितना का दिया है, 15 अप्रैल 2015 का दिया हुआ है, बट यहाँ पे 15 मई 2015 का निकालना है आपको। और 20% मोर देन दी टोटल बुक सोल्ड बाई सेम स्टोर 15 अप्रैल 2015, मतलब टी का जितना बुक सोल्ड होता है ना 15 अप्रैल को, उसका 20% ज़्यादा है 2000 मई का, अप्रैल का लिखिए, टी का डेटा लिखिए, तो अप्रैल का कितना है, अप्रैल का डेटा लिखिए टी का, ये कितना है 180 है शायद, और यहाँ टी का वही डेटा लिख लीजिए मई का, मई का डेटा लिखेंगे, अप्रैल के बाद मई आता है,
तो 180 का कितना परसेंट हो जाएगा, जगह है हमारे पास कम जगह है, 180 का कितना परसेंट हो जाएगा, 120%, 20% ज़्यादा बोला गया है। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा मतलब 216 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया 216। अब देखिएगा आगे क्या पूछा गया है, देन फाइंड टी 15 में, तो यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 216 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, और इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और भी देख लेते हैं कि और भी क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, टाइप भी हमारे खत्म हो गए। तो प्रीलिम्स में दोस्तों इतने ही टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में इतने ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये टॉपिक है, से लास्ट ईयर भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझे लगता है 100% इस ईयर भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघातीय समीकरण से। बहुत ही आसान टॉपिक होता है दोस्तों, सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। अगर इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक होगा, तो वैल्यू कितना आना चाहिए, डिग्री को देखेंगे। तो डिग्री एक्स के पावर में सबसे ज्यादा कितना है, 2, मतलब डिग्री कितना हो गया, 2। तो वैल्यू कितना आएगा, एक्स का 2 वैल्यू आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वैल्यू कितना आएगा, 2, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे कि दूसरा वाला दिया हुआ है ना क्वेश्चन में लिखा वाई क्यूब इक्वल टू में 125 है, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आ जाएगा क्यूबिक इक्वेशन में, मान लीजिए कि ए वाई इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। जितना डिग्री होगा उतना वैल्यू होगा, ठीक है ना, ए कॉमा में बी कॉमा में सी, जितना डिग्री होगा उतना वैल्यू आता है। तो उसके बाद मान लीजिए कि इक्वेशन आपका लीनियर होगा, मतलब ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू में 0 होगा, मतलब x का केवल एक ही वैल्यू आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं कि कितने वैल्यू आने वाले हैं x के। अब इसको देखेंगे हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा तो गलत भी हो सकता है, बट ज्यादा चांस होता है कि सही बन जाए। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू में √25। अब x इज इक्वल टू में √25 को 25 को लिख सकते हैं, 5 गुना में 5 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और दूसरा वाला क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ये कट गया। अगर याद होगा तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, वाई इक्वल टू में 5 निकल गया, वाई इक्वल टू में क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू में y हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से बनाया। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, एक बार मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं बाद में नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग भी नहीं लिखेगा, टाइम बचाना हम लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x -35 = 0। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कोफिशेंट को देखिए, मतलब x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई है, तो इसको और इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 और 35 को गुना कीजिएगा तो माइनस का 35 आ जाएगा, और बीच वाले को क्या करना है, स्प्लिट करना है। मतलब ऐसा क्या करें, 2 को कैसे लिखे कि गुना करने पे आपका कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, और घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, घटाने या जोड़ने पे। तो यहाँ पे हम 7x लिखते हैं, मतलब 7 लिखेंगे, 7 और 7 माइनस में 5 लिखेंगे, प्लस का रहना है तो 7 - 5 किए, अगर माइनस का करना होता तो 5 - 7 करते हैं। अब जो भी आया उसको क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, मतलब प्लस का 7 आया तो माइनस का 7 कर दीजिए, और माइनस का 5 आया तो उसको प्लस का 5 कर दीजिए, और जो कोफिशियंट है ना उससे भागा कर दीजिए। तो 1 से भागा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस का 7 है और 5 निकल गया। तो ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया माइनस का 7 और 5 है। और यहाँ पे फिर देखिएगा दूसरा इक्वेशन, वैसे ही देखिएगा y का कोफिशियंट कितना है, y स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ जाएगा।
और उसके बाद 15 को स्प्लिट करना है, मतलब y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 को लिख सकते हैं 8 और 7, 8 7 क्या होता है 56 होता है, प्लस में दोनों चला गया। अब यहाँ पे हम लोग का काम क्या बच गया, यहाँ पे हम लोग का काम बच गया अगले स्टेप में साइन को चेंज करने का। प्लस का 8 है तो माइनस का 8 लिखेंगे, प्लस का 7 है तो माइनस का 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को ये वाई का वैल्यू निकल गया, ये एक्स का वैल्यू निकल गया, और देखिए गुना करने पे 56 आना चाहिए जो लास्ट में है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए जो बीच में है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट करते हैं। अब कंपेयर कीजिए तो माइनस का 8 इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इससे भी छोटा, बट माइनस का 7 इससे इक्वल हो जाएगा, इससे छोटा आ जाएगा। तो रिलेशनशिप क्या निकलेगा एक्स और वाई के बीच में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप निकलेगा एक्स है और वाई, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन में वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में वाई हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों हमने काफी आसानी से बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, हम डायरेक्ट बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन को आप डायरेक्ट समझते जाइएगा, क्योंकि हम लोग टाइम ही नहीं लगाने वाले हैं। चलिए देखिएगा, एग्जाम में भी इसी तरह बनाना है, क्योंकि स्टेप से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम निकालना। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को 2.5 मिनट में बनाना है, 5 क्वेश्चन। देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे गलत करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 81 है, यहाँ पे बच्चे क्या गलत करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू में प्लस माइनस 9 द होल स्क्वायर। प्लस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा, माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे x इज इक्वल टू में क्या आ गया, प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 9 आ जाएगा। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वैल्यू 2 आता है, वैसे ही अगर y निकालेंगे यहाँ पे तो y स्क्वायर y इक्वल टू में प्लस माइनस 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब प्लस 8 को कंपेयर कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम अलग अलग अगर सेपरेट करके लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, माइनस 9 हो गया और यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, माइनस 9 हो गया, माइनस 8 हो गया। अब 8 से कंपेयर कीजिए तो 8 क्या हो जाएगा, 8 इससे छोटा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, बट ये माइनस 8 क्या होगा, इससे छोटा और इससे ज्यादा, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, एक बार x से ज्यादा हो रहा है, एक बार y ज्यादा हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्या होगा, x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कि 17x² माइनस में 14x माइनस में 83 इक्वल टू में माइनस 80। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, तो 17x² लिख लिया हमने, माइनस में 14, माइनस में 14x है, ठीक है, माइनस में 83, ठीक है, और ये माइनस का 80 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 80 इक्वल टू में 0। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां लिखेंगे 17x² माइनस में 14x है, माइनस में 3 इक्वल टू में 0, ऐसा लिख लिया हमने। अब 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 होता है, कितना होता है, 17 तिया 51 होता है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है 17 तिया 51, ये और ये गुना किए तो 51 आ गया, माइनस का 51 आया। अब इस 14 को स्प्लिट करना है, तो इस 14 को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो माइनस का 17 और प्लस में 3, 17 तिया 51 हो जाएगा, और ये माइनस का भी 51 आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच में भी साइन आपको देखना है कि प्लस है या माइनस है, माइनस है तो माइनस में लाना होगा, मल्टीप्लाई में भी देखना है कि प्लस है या माइनस है। ठीक है ना, अब देखिएगा आगे क्या है आएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस का 17 है तो प्लस का 17 बना देंगे, और प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बना देंगे, और 17 से भागा देंगे, यहाँ पे 17 से भागा देंगे और यहाँ पे 17 से भागा देंगे। अभी रहने देते हैं, अभी कैंसिल आउट नहीं करते, अभी वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2y प्लस में 35। तो अगर इक्वेशन हम लोग लिखना चाहे यहाँ पे तो वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 35 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू निकालना चाहे तो माइनस का 7 प्लस में 5, माइनस का 7 प्लस में 5 कितना होगा, माइनस का 7 प्लस में 5 है, और यहाँ पे y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब ये कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और एक वैल्यू ये आ जाएगा, -3/17 आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, एक को कंपेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा इससे छोटा, देखिएगा एक को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक को कंपेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा इससे छोटा आ जाएगा, मतलब एक्स एक बार ज़्यादा आ रहा है एक बार छोटा आ रहा है। जब भी ऐसा हो तो आप क्या कीजिए, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन एक्स नॉट इक्वल टू में वाई हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू में वाई। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू में वाई, एक्स इक्वल टू में वाई या नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने काफी अच्छे से बना लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x-45। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 45 को, तो माइनस का 45। अब एक्स 4 को ब्रेक करना है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9-5 लिख सकते हैं, 9 5 45 और माइनस का 45 भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 4 आना चाहिए, पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45 आना चाहिए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और 1 से भागा देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिएगा, आगे ये है वाई स्क्वायर माइनस में 13y+40। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 5 40 होता है, और प्लस का 40 चाहिए तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 5 आपस में इक्वल हो जाएगा और 5 इससे क्या हो जाएगा, 5 इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 8 इससे भी ज़्यादा, 5 से भी ज़्यादा, 9-9 से भी ज़्यादा, मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू में x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू में x कहाँ पे लिखा हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू में x है, देखिए तो कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को खोज के बताना है। तो 5 क्वेश्चन बना लिया, 1 सेट हमने बना लिया, चलिए अगले सेट को देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x+40। अभी देखा था हमने इसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 8 5 40 होता है, ठीक है, हमें 40 लेके आना, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज करने के बाद ये ना पे तो 8 और 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप दूसरे इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 2y² - y और -15। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 2 × 15 कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, 2 × 15 कीजिएगा, तो 2 × 15 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 15 कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग को क्या लेके आना है, 30 लेके आना है, इसका मतलब हम लोग को क्या लेके आना है, 30 लेके आना है, ठीक है। अब देखिएगा बीच में क्या है, -1 है, क्योंकि -y लिखा है, इसका मतलब क्या है, -1 लिखा हुआ ना, -y किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, -1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -y को ब्रेक ऐसे कुछ करना है, स्प्लिट करना है कि आपका कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 1 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, -6+5, 6 5 30 और जोड़िएगा या घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, साइन चेंज करना है, मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, कोफिशियंट देखना है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 2, तो 2 से भागा दे दीजिए दोनों को, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकल जाएगा 3 निकल जाएगा और माइनस का 2.5 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा और माइनस का 2.5 निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम नीचे लिखते हैं वाई इक्वल टू में 3 निकल जाएगा और माइनस का 2.5 निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया वाई इक्वल टू में 3 और माइनस का 2.5 निकल गया। अब कंपेयर कीजिए, जब कंपेयर कीजिएगा यहाँ से एक्स का वैल्यू तो 8 और 5 है और यहाँ पे 3 और माइनस का 2.5 है, तो माइनस का 2 पॉइंट इन दोनों से छोटा हो जाएगा 2.5, और 3 जो है ना
8 से भी छोटा, 5 से भी छोटा, मतलब x और y के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा, x से ग्रेटर देन y, क्या निकलेगा, x से ग्रेटर देन y। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो x ग्रेटर देन y मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना आसान था और कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सभी के सभी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है और सभी के सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, 7 में पूछा गया है कि 5x² प्लस में 17x प्लस में 6, सबसे पहले क्या करना है, 5 गुना में 6 करना है, सबसे पहले क्या करना है, 5 गुना में 6 करना है, मतलब 30 आ जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 17 को स्प्लिट करना है, 17x को क्या करना है, स्प्लिट करना है, 17x को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हम लोग 17x को स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिएगा x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग स्प्लिट करके, तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 30 लेके आना हम लोग को, तो 15 प्लस में 2 लिख सकते हैं, प्लस का 30 लाना तो 15 प्लस में 2 लिख सकते हैं, साइन चेंज कीजिए तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, तो दोनों प्लस में है तो माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ये चीज आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, नीचे दिखेगा x इज इक्वल टू में माइनस का 15 और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद का स्टेप हो जाएगा। उसके बाद कोफिशियंट कितना है, 5 है, कोफिशियंट कितना है, 5 है, तो 5 से भागा दे दीजिए, तो फाइनली यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस का 0.4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, माइनस का 3 और माइनस का 0.4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे देखिएगा 2y² प्लस में डिवाइड भी हमने किया ना, कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, 2y² प्लस 11y प्लस में 12 इक्वल टू में 0। अब देखिएगा 2y² ये क्वेश्चन लिखेंगे क्यों हम लोग, सीधा हम लोग देखते हैं, 2 गुना में 12 करना है हम लोग को, 2 गुना में 12 मतलब 24 हो जाएगा, ये मन में कीजिएगा, ये लिखिएगा बार बार तो प्रॉब्लम होगा, 2 गुना में 12 करेंगे और उसके बाद 11 को स्प्लिट करना है, मतलब 11y को, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8 तिया, 11 को लिख सकते हैं 8 प्लस में 3, 8 तिया हो जाएगा और साइन चेंज कर दीजिए तो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और इसको 2 से भागा दे दीजिए, और इसको क्या कीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का 1.5 आ जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 1.5 आ जाएगा। अब माइनस का 4 जो होगा वो इससे क्या होगा, छोटा होगा, और ये माइनस का 4 इससे छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, बट माइनस का 1.5 कितना आया, 1.5 इस माइनस 3 से ज़्यादा होगा और माइनस का 1.5 इससे छोटा होगा, मतलब एक बार y ज़्यादा आता है एक बार कम आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, आएगा तो एक ही जैसा, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आएगा, कम है तो कम आएगा, बट ये नहीं होगा कि अलग अलग कुछ आ जाए, ठीक है, ज़्यादा कम आ जाए, अप डाउन करे, ऐसा नहीं होगा, एक जैसा ही रिलेशन आना चाहिए दोनों में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि 7x² माइनस में 19x प्लस में 10, तो सबसे पहला काम क्या होता है, 7 गुना में 10 करने का, तो 7 गुना में 10 मतलब कितना हो गया, 70 हो गया, 7 गुना में 10 मतलब 70 है। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 19 को कैसे लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं आप लोग 14 5, मतलब माइनस का 14 और माइनस का 5, 14 5 70 होता है, अब यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, 14 और 5 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, और दोनों को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो दोनों को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो x का वैल्यू निकल गया। अब y के बारे में देखिए, तो 8 गुना में 3, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 गुना में 3 मतलब 24 होता है, हमें 24 लेके आना है गुना करने पे, तो 2 को डिवाइड करना है वैसे, तो y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 24 लेके आना है, माइनस का 24 लेके आना है, ठीक है ना, माइनस का 24 लेके आना है, ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू में थोड़ा सा स्पेस देके मैं माइनस का 24 लिख देता हूँ, प्लस माइनस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना, तो y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 2 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 4 माइनस 6 माइनस में 4, 6 माइनस में 4 2 आ जाएगा, 6 माइनस में 4 2 आ जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना, 8 है, तो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा।
अब आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 3 बटे -3/4 और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में ही सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको, पॉइंट में सॉल्व कीजिएगा तो -3/4 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो वाई का वैल्यू, फाइनली वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -0.75 आ जाएगा, -0.75 और 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये वाई का वैल्यू निकल गया, ये वाई का वैल्यू निकल गया। और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और लगभग 0.7 आ जाएगा, 2 और लगभग 0.7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का दोनों वैल्यू है तो 2 से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों से ज़्यादा, 0.7 से कंपेयर करेंगे तो इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। मतलब कि रिलेशन निकल गया, मतलब क्या रिलेशन निकल गया कि एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि x²-8x+15। यहाँ देखिएगा x का कोई कोफिशियंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग काफी आसान तरीके से बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि x²-8x+15=0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको गुना करके 15 लेके आना है, तो -3 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, ये -8 देगा, साइन चेंज करना है, 3 और 5 लिखेंगे। और कोफिशियंट कितना है एक्स स्क्वायर का, 1 1 से भागा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाई इक्वल टू में क्या होगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। वाई इक्वल टू में वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ देखना है y²-3y+2=0, मतलब आपको 2 लेके आना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2 -1, साइन चेंज कीजिएगा, 2 और 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 और 1 है, यही वैल्यू आ जाएगा वाई का, कितना आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 2 से कंपेयर करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, 1 क्या हो जाएगा, 3 से भी छोटा, 1 से भी छोटा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा अगेन एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए तो एक्स ग्रेटर देन में वाई कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 3x²-7x+4=0 और 2y²-9y+10=0। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 गुना में 4 करना है, 3 गुना में 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ये मन में आपने किया हुआ है। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे तो -7 को स्प्लिट करना है, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए। तो -4 -3 12 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, 4 और 3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू अभी निकला नहीं है, अभी हम लोग को किससे भागा देना है, जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 4/3 और 3/3, यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 1.3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए एक्स का, तो एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद देखिएगा 2 गुना में उसके बाद क्या करना है, 2 गुना में 10 करना है, 2 गुना में 10 मतलब 20 लाना है। अब यहाँ पे 9 -9y तो क्या हो जाएगा, -4 लिख सकते हैं और -5 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में 4 और 5, साइन को चेंज करेंगे, 2 से भागा देंगे दोनों को, तो y का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकलेगा, y इक्वल टू में 2 निकलेगा और 2.5 निकलेगा, और दोनों क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा, दोनों क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। तो 2 क्या हो जाएगा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, मतलब कुल मिला के आपको दिख रहा है 2.5 भी x के दोनों वैल्यू से ज्यादा है। तो कुल मिला के आपको आंसर क्या दिख रहा है, कुल मिला के आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे कि y ग्रेटर देन में x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, y ग्रेटर देन में x दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन में x है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही आपको x और y का वैल्यू निकाल के कंपेयर करना होता है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया। यहाँ पे देखिएगा x²+9x+20=0, x²+9x+20=0, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा,
यहाँ पे, यहाँ तो x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग को 20 लेके आना, तो 4 और प्लस में 5 लिख सकते हैं, साइन चेंज करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकालेंगे, तो y के वैल्यू निकालने के लिए पहले 8 है, वाई स्क्वायर माइनस में 15, वाई प्लस में 7 इक्वल टू में 0, तो हम लोग क्या करेंगे 8 और 7 को पहले गुना करेंगे, तो 8 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, माइनस 15 को स्प्लिट करना है, तो माइनस 15 को स्प्लिट करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस 15 को स्प्लिट करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, मतलब वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा 8 और 7 निकल जाएगा, और इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है वाई स्क्वायर का 8 है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब क्लियर आपको दिख रहा है, क्या क्लियर दिख रहा है कि जो y जो है ना वो x से ज्यादा होगा, ये क्लियर आपको दिख रहा है ये चीज, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होना चाहिए। ठीक है, वाई ज्यादा है एक्स से, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप लोग से बनता है तो आप लोग भी आंसर बताइएगा मुझे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, यहाँ पे कि क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस में 30 इक्वल टू में 0, वाई स्क्वायर प्लस में 12 वाई प्लस में 36 इक्वल टू में 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कोई टेंशन नहीं है हम लोग को 30 लेके आना है, तो 11 को क्या लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस में माइनस 5 लिख सकते हैं, माइनस 6 माइनस 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब साइन चेंज करना है, मतलब 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भागा देंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे तो वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 गुना में 36 36 हो जाएगा, और 12 को हमें डिवाइड करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 प्लस में 6 लिख सकते हैं, 6 प्लस में 6 लिख सकते हैं, मतलब ये a प्लस b द होल स्क्वायर था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। अब ये माइनस 6 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब है ये x दोनों प्लस में है और y दोनों माइनस में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x ज्यादा है y से, इसका मतलब क्या हो जाएगा x ज्यादा है y से, मतलब ये ऐसा कब होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऐसा कब होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 12, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को एग्जाम में नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, देखिएगा ये जो एग्जाम होगा ना, जितना भी आपने बैंक का एग्जाम दिया है सबसे आसान एग्जाम आपको यही मिलने वाला है, इसमें कट ऑफ इसलिए हाई जाता है। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और बीच में क्या दिया 13x दिया, और हम लोग लेके आना है 40, तो क्या लिख सकते हैं 8 पचे 40 होता है, 8 प्लस में 5 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया। y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 इक्वल टू में 0, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 10 लेके आना है, तो 7 को कैसे लिख सकते हैं 5 प्लस में 2 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 5 प्लस में 2, मतलब माइनस 5 लिख सकते हैं, माइनस 2 लिख सकते हैं, और कोफिशिएंट आपका 1 है तो 1 से डिवाइड कीजिएगा। अब ये माइनस 5 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और माइनस 5 क्या हो जाएगा, इससे माइनस 8 से ज्यादा हो जाएगा, माइनस 2 इन दोनों से ज्यादा है, मतलब कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स होना चाहिए मेरे अनुसार, इसके अनुसार मतलब आंसर क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन में एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 91, तो यहाँ पे हम लोग को बीच में क्या दिया हुआ है, माइनस 20 दिया हुआ है, उससे हम लोग को 91 लाना है, कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट 1 होता है तो सबसे आसान होता है, तो माइनस का 13 और माइनस का 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, साइन चेंज करने का बारी है तो 13 और 7 लिखेंगे और 1 से भागा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। आगे देखिएगा, कोफिशिएंट मतलब समझते हैं कि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस में 16y प्लस में 63 इक्वल टू बी 0, 16 से हम लोग को 63 लेके आना है, गुना करने पे जोड़ने पे 16 आ जाए, तो 9 सत्ते
9 प्लस में 7 लिख सकते हैं ना, 16 भी आ जाएगा और 63 भी आ जाएगा, प्लस का भी आ जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो y दोनों माइनस का है, x दोनों प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x से ज्यादा हो जाएगा y से, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन y हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने काफी आसानी से बना लिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, 15 में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 12 इक्वल टू में 0 और वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और माइनस से 1 को आपसे आपको 12 लेके आना है, तो हम लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस में 3, ऐसे लिखेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस 1 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज करना है, मतलब प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और कोफिशियंट तो 1 है ना, एक्स स्क्वायर तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 हो जाएगा और y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 2, 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस में 2, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 3 इसके इक्वल हो जाएगा और माइनस का 3 इससे छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो सही है, माइनस का 2 इससे ज्यादा हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा इससे ज्यादा हो जाएगा और इससे कम हो जाएगा, मतलब स्टेब्लिश नहीं है, एक जैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है, वाई एक बार ज्यादा हो रहा है एक बार कम हो रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, जब ऐसा होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर इक्वल भी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए दो चीज को दिखा रहा है, इक्वल होना और नॉट इक्वल होना, दोनों चीज आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलेगा और बाकी सब तो क्लियर है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट सभी हमने अच्छे से देख लिया। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, ये दोस्तों मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 10 नंबर की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 15 नंबर की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर लेवल एग्जाम का हार्ड करना होगा तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर लेवल आसान करना होगा तो 10 से या फिर 5 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 10 ही नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 5 10 15 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, और यहाँ पे हम सभी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, लेवल कैसा होगा एग्जैक्ट लेवल देखेंगे, बट मैं बता दूं कि जिस लेवल का भी मैं बताऊंगा उससे आसान लेवल का आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं सबको भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आप एग्जाम में आसानी से बना लेंगे, उससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा, एकदम मैंने कलेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन का। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हो। अब दोस्तों देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा कि स्ट्राइक का पूछा जाएगा, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, मतलब ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है ना, रेशियो में दिया हुआ है, किस रेशियो में दिया, 1:1 / 2 / 1/3 / 1/4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इस रेशियो में दिया हुआ है, तीनों साइड का रेशियो ये दिया हुआ है और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल का क्या दिया है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ, 52 दिया, मतलब पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योगफल को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, तीनों साइड के सम को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड आपको निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले दो तीन चार का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, अब 12 से गुना कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा और उसके बाद 3 आ जाएगा, 6 4 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 4 3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें सबसे छोटा साइड निकालना है, तो ये तो सम दिया हुआ है ना, तीनों का साइड दिए सम दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों भुजाओं का सम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है, ये तीन वाला हिस्सा दिख रहा है, तो तीन हिस्सा बटे में टोटल कितना हिस्सा, 10 3 13 हिस्सा कितना का टोटल, 52 तीनों का सम है। अब 13 4 52 होता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और वो कौन सा साइड है, सी हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने पहला क्वेश्चन बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर टू को ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर वन को यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया देखिए, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू को देखिए, पूछा गया है कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लोअर देन ए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, ए जो इनकम है वो बी का 25% ज्यादा है, मतलब 125% ऑफ बी। परसेंटेज में क्या किया जाता है, अगर ज्यादा बोला जाएगा तो ऐड किया जाएगा, कम बोला जाएगा तो घटाया जाएगा। प्रॉफिट में जोड़ा जाता है, लॉस में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इसलिए हमने क्या किया, बी का 125%, मतलब यहाँ पे का मतलब गुना होता है, तो ये गुना था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो हम इससे क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल देंगे। अब 25 से 25 पचे हो जाएगा, 25 से 25 चौके हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब बोला गया आपसे क्या निकालने के लिए, आप क्वेश्चन में देखिए तो क्या निकालने के लिए बोला गया है कि देन हाउ मच परसेंट इज ए बी सैलरी लोअर देन ए, बी का इनकम ए से कितना कम है, तो बी का इनकम ए से कितना कम है, दोनों को घटा लीजिए तो 1 रुपए का अंतर है। अब किसके तुलना में, ए की तुलना में, तो ए का इनकम कितना है, 5 गुना में 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, मतलब कितना कम है, 20%, कितना कम है, 20% कम है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 20%, देखिए ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, मैंने सबको मिक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक बताने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना होगा तो मैंने रेलवे के लिए बेसिक क्लास बनाया हुआ है, उसे आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तीन में, रवि सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 12% मतलब इतने प्रॉफिट पे एक आर्टिकल को बेच देता है। इफ ही हैड सोल्ड इट एट 22.5 मोर, मतलब जो पहले सेलिंग प्राइस था उससे 22.5 रुपीज ज्यादा पर बेचता है तो उसको 25% का गेन होता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बेस क्या होता है, मैंने आपको रेलवे के क्लास में बताया कि सीपी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, सब जगह कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, 12.5 लिखेंगे ना, 12 fraction 1/2 को 12.5 लिखेंगे, तो 100 में इसको ऐड कीजिएगा क्योंकि प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मैंने बताया था कि 100 में ऐड कीजिएगा तो 112% ऑफ सीपी प्लस में 22.5 रुपीज ज्यादा लेके बेचते हैं इसको, ठीक है, 22.50 रुपए ज्यादा लेके बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा सीपी पे 125%, मतलब सीपी का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो अभी काटिएगा नहीं, अभी नहीं काटिएगा, तो ये सीपी, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे एक साइड लेके, लाइक टर्म को एक साथ लाएंगे और घटा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 125 में से 112 जाएगा तो 12.5% ऑफ सीपी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 क्या होगा, कटेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा, नहीं भी लिखते तो चल जाता, और यहाँ भी तो पॉइंट है ना, तो यहाँ 10 आ जाएगा नीचे, और कुछ है यहाँ पे 25 से 25 90। अब ये 5 से 18 बार में कट जाएगा, मतलब सीपी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180, ये 10 नीचे है ना, तो ये गुना होगा तो 180 हो जाएगा, तो 18 गुना में 10 180 रुपीज, मतलब सामान का दाम कितना हो गया, 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार को देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, ये किस चीज का क्वेश्चन है, मिक्सर का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर चार में क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, ए वेसल कंटेन लिक्विड पी एंड क्यू इन द रेट ऑफ 5:3, मतलब P अगर निकालना चाहे हम लोग तो 5x मान लेते हैं, और Q को हम लोग निकालना चाहे तो Q को हम लोग 3x मान लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। P और Q का वैल्यू दिया हुआ है, इफ 16 लीटर ऑफ द मिक्सर आर रिमूव फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड Q एडेड, अगर इन दोनों से 16 लीटर को रिमूव किया जाए, मतलब P से कितना रिमूव होगा, P से रिमूव होगा 16 गुना में 5:2 कितना है, यहाँ रेशियो 5:3 में मिलाया गया है,
तो पी का पांच हिस्सा, टोटल आठ हिस्सा, तो 5/8 हो जाएगा। तो काटिएगा इसको दो बार में, मतलब पी से 10 लीटर और क्यू से कितना हो जाएगा 6 लीटर निकाला गया है, ठीक है, टोटल 16 लीटर में से। तो ये हमने निकाल लिया कि किससे कहाँ से कितना निकाला गया है। अब यहाँ देखेंगे आगे जाके, हम लोग आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या किया जा रहा है कि 5x, मतलब p का वैल्यू 5x है, 5x में से 10 निकाला जा रहा है और q का वैल्यू कितना है 3x है, 3x में से 6 निकाला जा रहा है और 16 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो कितना बिकम हो जाता है, ये रेशियो कितना बिकम हो जाता है 3:5 हो जाता है, ये रेशियो क्या हो जाता है 3:5 हो जाता है। लिखा हुआ है ना सेम, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड q इज एडेड लिखा हुआ है, ठीक है, q में 16 लीटर हमने पानी को ऐड किया। तो ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चीज आपको नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कहाँ लिखें, थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 5x से माइनस में 10 लीटर यहाँ से निकाल लिए और 3x से माइनस में 6 लीटर निकाले और 16 लीटर ऐड किए, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो 5×5=25x हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा और यहाँ पे 3×3=9x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो +10 हो जाएगा और यहाँ +30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल टू के बाद सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 16x हो जाएगा, 16x और यहाँ पे 80 हो जाएगा, 16×5 मतलब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था कि व्हाट क्वांटिटी डज द वेसल होल्ड, ठीक है ना, व्हाट क्वांटिटी डज द वेसल होल्ड, तो ये तो 5 लीटर x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल गया 5 लीटर, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, कितना क्वांटिटी वेसल होल्ड करेगा, तो टोटल यहाँ पे 8x होल्ड करेगा, 5×3=8x है, तो 8×5 कर देंगे, मतलब 40 लीटर क्वांटिटी है, मतलब वॉल्यूम पूछा गया है, वेसल का जो वॉल्यूम है ना वो 40 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया है कि दी रिटेल प्राइस ऑफ दी वाटर गैस ग्लेशियर इज 1265, इफ दी मैन्युफैक्चरर गेन 10% द होलसेल डील गेन 15%, ठीक है ना, द रिटेलर गेन 25% देन कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बेस क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है, सबसे पहले सामान का दाम होगा। अब क्या होता है कि एक रिटेलर जो है वो फाइनली उसको 1265 रुपए में बेचता है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है, सीपी निकालना है, एसपी कितना दिया है 1265 दिया हुआ है, ठीक है, 1265 दिया हुआ है, और उसके बाद बोला गया है कि इफ यदि मैन्युफैक्चरर जो बनाता है उसको 10% का गेन होता है, तो कहाँ पे गेन होगा, सीपी पे, तो 10% का गेन होता है जो सामान को बनाता है, तो ये लिख दिया हमने 10% है। उसके बाद होलसेल में जाता है तो 15% का गेन होता है, होलसेल में जाएगा तो 15% का गेन होगा, उसके बाद हम देखेंगे होलसेल में जाएगा तो 15%, उसके बाद रिटेलर मतलब दुकान में जाएगा तो 25%, मतलब 125% हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1265 आ जाएगा रिटेलर वाला। तो इससे हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे, 10 से 10 कट गया और उसके बाद 23 बार में और 5×20 बार में 25×25 अब ये 5 से तो कटेगा, 5×5 5×2=10 होता है, 5×5 5×2=10 5×5=25 से 253 बार में 23×11 बार में मुझे लगता है कटेगा, 11×1 बार में कट जाएगा, 11×1=11। अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 10, मतलब सीपी इज इक्वल टू में 20×4×10 20×4×10 है, और यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू में 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीपी इक्वल टू में 800 आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 मिनट, मतलब एक टंकी को 6 आवर में भरता है ड्यू टू लीकेज ऑफ बॉटम, क्या होता है कि इट फिल्ड 7 आवर, मतलब लीकेज के कारण 7 आवर में ये फिल होता है। तो आपको निकालना है कि व्हेन द सिस्टर्न इज फुल
इन हाउ मच टाइम विल इम्पटी बाई लीकेज, मतलब कितने, अगर सिस्टम जो टंकी है वो कंप्लीटली भरा हुआ है तो कितने समय में लीकेज के कारण वो खाली हो जाएगा, तो आपसे ये चीज पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ नहीं करना है, जब खाली होता है तो माइनस हो जाएगा और जब भरता है तो प्लस हो जाएगा। तो 1/6 कर लीजिए, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर होगा तो उससे आप बना सकते हैं। जो भी टाइम दिया है उसको क्या कीजिए, 1/ के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस में लिखेंगे, और खाली करता है मैं दूसरे कंडीशन में तो -1/7 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या 6 और 7 का एलसीएम भी ले लीजिएगा तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42, 7 माइनस में 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/42, मतलब उसको लग जाएगा 42, क्या लग जाएगा, 42 आवर लग जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 42 आवर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 आवर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में पूछा गया है कि राम ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 15 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है, इफ ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर पर आवर तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस है उसको कवर करना है, ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम होगा, डी वन इक्वल टू में डी टू। अब डी वन क्या हो जाएगा, वी वन गुना में टी वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टू इंटू में टी टू हो जाएगा। अब वी वन दिया हुआ है 3 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया हुआ है, गुना में क्या हो जाएगा, टी प्लस में 15 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, टी प्लस में 15, और यहाँ पे 4 किलोमीटर हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, टी प्लस में, गुना में क्या हो जाएगा, टी माइनस में 15, मतलब यहाँ पहले पहुंचता है तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब मिनट में है तो हम 60 से भागा दे भी सकते हैं, बट दोनों तरफ देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना करके सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 3t हो जाएगा, प्लस में 15 दिया है 45 हो जाएगा, और यहाँ 4t हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा। t इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाके ऐड होगा तो 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 105 मिनट होगा। अब इक्वेशन के किसी भी पार्ट में इसको पुट कीजिए, या फिर यहाँ पुट कीजिए, नहीं तो यहाँ पुट कीजिए, कहीं भी पुट कीजिएगा बन जाएगा ये। तो चलिए हम यहाँ से ही निकालते हैं पहले वाले पार्ट से, तो पहले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 × 105 + 15/60 आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 आएगा, 60 से 2 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू में 6 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए दोस्तों आप लोग को टाइम लग रहा है, ठीक है। आप लोग तो इतना स्टेप लिखिएगा नहीं, आप लोग तुरंत लिखिएगा, आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और सीधा जो ऑप्शन है उसको भी पुट करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमने बना लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि इन ए मिक्सर 45 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 3:2, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है 3:2 दिया हुआ है, तो देन हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड द रेशियो बिकम 9:11, मतलब कितना वाटर ऐड किया जाएगा। तो देखिएगा इसका बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है, मिक्सर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद टोटल है 45, टोटल कितना है, टोटल है यहाँ पे 45, मिल्क प्लस में वाटर कितना है 45 है, 45 लीटर होगा, 45 लीटर है यहाँ पे, ठीक है, टोटल कितना है 45 है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या हो जाएगा, मिल्क निकालिएगा इस 45 में से, तो कितना हो जाएगा, 45 गुना में कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 45 गुना में 3/5, 9 से काटिए, मतलब 27 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग वाटर निकालेंगे तो ये 18 लीटर हो जाएगा, 45 में से 27 को घटा लीजिए, तो यहाँ तक तो निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर अगर कितना वाटर ऐड किया जाए, मतलब 27 में कुछ ऐड नहीं किया जाएगा बट 18 में आपको एक्स ऐड करना होगा, तब जाके ये रेशियो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है। बस इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ 307 हो जाएगा गुना करने पे, और यहाँ 307 हो जाएगा, या काटिए ना इसको, कैंसिल आउट तो होगा ही, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 3 बार में कटेगा, मतलब यहाँ 33 हो जाएगा और यहाँ 18 प्लस में एक्स हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 15 लीटर, x का वैल्यू कितना आ गया 15 लीटर,
तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 8 को। आगे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा। ए पर्सन कैन रो विथ द स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द वाटर करेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिएगा मैंने इसको बोट एंड स्ट्रीम का जब रेलवे का क्लास लिया था तो मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है, तो बेसिक क्लास को आप देख लीजिएगा तो आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। और मैंने बेसिक क्लास बना दिया रेलवे के नाम से, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बाद वाला जो प्लेलिस्ट है ना वो इसी का है, रेलवे का है, तो वहां से आप चाहे तो मैथ्स का बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है, स्ट्रीम का जो बोट का स्पीड होता है उसको एक्स मानते हैं और जो पानी का स्पीड होता है उसको वाई मानते हैं। तो एक्स प्लस में वाई 8 दिया हुआ है, मतलब अगर पानी के बहाव की दिशा में जाएगा तो प्लस होगा और पानी के बहाव के अपोजिट दिशा में जाएगा तो स्पीड घटेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू में 14/2 आ जाएगा, मतलब 7 निकल जाएगा। y इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, ट्रिक मैंने सब बताया हुआ है रेलवे के क्लास में, तो वहां देखिएगा यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो यही आपसे पूछा गया कि जो पानी का बहाव का स्पीड है वो कितना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत आप देख के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, 8 प्लस में 6 कीजिए उसको 2 से भागा कीजिए, 8 माइनस 6 कीजिए उसको 2 से भागा कीजिए, तो पानी का पूछा है तो कम होगा, बोट का पूछा है तो ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। देखिएगा पूछा गया है कि ए फादर एज 3 times ऑफ द सन एज। ठीक है, जो फादर है अपने पिता का, अपने पुत्र का 3 गुना है, ये लिखा हुआ है। सन एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड, मतलब उसके चाइल्ड कितने हैं, 2 है, मतलब f इक्वल टू में 3 गुना में a प्लस में b, 2 चाइल्ड का एज मान लिया हमने, a और b मान लिया। ठीक है, तो अगर हम लोग a प्लस b का वैल्यू निकाल ली यहाँ पे तो f बाई 3 निकल जाएगा, कितने निकल जाएगा, f बाई 3 निकल जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पहला लाइन बोला हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है बट 20 ईयर हेंस, मतलब 20 साल के बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर एज, मतलब 20 साल के बाद क्या होता है, उनके बच्चों का योग, जो उसके उसके फादर का योग क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों के एज के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज्यादा है, तो लिखते हैं यहाँ पे f प्लस में 20, 20 साल के बाद f प्लस में 20, और बच्चों में क्या हो जाएगा, a प्लस में b, तो बच्चों का एज हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 20 प्लस में 20, पहले बच्चे का एज में भी 20 साल इंक्रीमेंट होगा, दूसरे बच्चे के भी एज में भी क्या होगा, 20 साल का इंक्रीमेंट होगा। ये इक्वेशन बन जाएगा नया, f प्लस में 20 आपको दिया नहीं पता, a प्लस में b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ये क्या है f बाई 3 है, कितना है f बाई 3 है, प्लस में 40 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इस f बाई 3 को इधर ला के घटा देंगे f में से, तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 ऑफ f आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 से ये 40 में से 20 जाएगा तो 20 है, ये 10 निकल जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फादर का एज आ जाएगा 30 साल, फादर का एज अभी कितना है वर्तमान में, 30 साल का है। ठीक है, आपसे वर्तमान का एज पूछा तो वर्तमान का बताएंगे, जब का एज पूछा तब का आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर अभी मुझे लगता है कि 30 साल आएगा, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में 5 साल के बाद का भी एज पूछा जा सकता है, 2 साल के बाद भी पूछा जा सकता है, या पहले भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ ए, मतलब 3 साल के लिए किसी पैसे को लगाया जाता है। ठीक है, ये बोला गया साधारण ब्याज पे। Had it been put 1% higher, मतलब जो पहले रेट था उससे 1% ज्यादा पे, मतलब मान लीजिए पहले रेट था 5%, तो अभी 6% पे लगाया गया है। It would have जो मतलब आपको SI मिलेगा 5100, मतलब SI दिया हुआ 5100। ठीक है, क्वेश्चन में SI कितना दिया हुआ 5100। अब देखिएगा हमें एक ही फॉर्मूला पता है, SI इक्वल टू में क्या होता है, I इक्वल टू में PRT / 100, यही फॉर्मूला पता है ना,
बस इसी पे पुट कर दीजिए, जो भी दिया है बस इसी पे पुट कीजिए। तो 5100 पी का वैल्यू आपको नहीं पता है, रेट 1% हाइयर और 3 साल के लिए यही बोला गया है। बस इसको 17 बार में काटिए, मतलब पी इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 1,70,000 निकल जाएगा। 1,70,000 पी आपको निकल जाएगा, यही आपको निकालना था। केवल आपको 3 से भागा दे देना था और कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। 12 में पूछा गया है कि फ्रॉम द अमाउंट 36 ए टीचर इन ए स्कूल, वन प्रिंसिपल और वन वाइस प्रिंसिपल है आर टू बी अपॉइंटेड, तो ऐसा कितने तरीके से किया जा सकता है। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा एन पी मतलब है 36, मतलब जितना भी होंगे 36 P2, ठीक है ना। ये किस फॉर्मूले पे, एन पी आर के फॉर्मूले पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना, 36 है, फैक्टोरियल 36 बाई फैक्टोरियल 34 हो जाएगा, 2 घटाइएगा तो 34 हो जाएगा ना, 36 में से 2 घटाइएगा, एन माइनस में आर मैंने बताया, तो उतना लिखना क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब 36 गुना में 35 इसको लिख सकते हैं, गुना में 34 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में 34 फैक्टोरियल पहले से दिया है तो ये कटेगा ये कटेगा। अब 36 गुना में 35 कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 1260 आ जाएगा, मतलब आपका 1260 तरीके से ये सिलेक्शन, मतलब ये अरेंजमेंट किया जा सकता है। ये 36 फ्यूचर में से 2 लोगों को इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1260, ऑप्शन नंबर ए। तो देख सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड की पत्तियों में से एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड हॉट और 2 कार्ड डायमंड, मतलब हॉट और डायमंड अलग होना चाहिए टोटल। ये प्रोबेबिलिटी निकालना कि दो या तो हॉट होने चाहिए या फिर डायमंड। जब भी और आता है तो उसके लिए प्लस लिखेगा, और जब भी एंड आता है ना तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एंड के लिए मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन में नंबर ऑफ इवेंट, नहीं नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 होता है ना, हार्ट कितने होते हैं, शायद 13 होते हैं, 13 में से 2 निकालना है, प्लस में फिर से 13 जो डायमंड लिखा हुआ है तो डायमंड भी क्या होता है, 13 होता है, तो 13 में से 2 निकालना है, और नीचे क्या लिखेंगे, 52C2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब ये एन सी टू क्या है, एन सी मतलब एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो किस फॉर्म में लिखा है, एन सी आर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस में आर फैक्टोरियल। केवल परमुटेशन में क्या होता है कि फैक्टोरियल आर नीचे में नहीं होता है, यहाँ पे होता है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें पुट करके एक मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, दिखा देता हूँ, फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे 13 गुना में 12, 11 से 11 कट जाएगा फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 गुना में 1 होता है, तो ये 78 हो जाएगा, मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, दूसरा भी 78 हो जाएगा, और 52C2 ऐसे ही निकाल लीजिएगा तो 52C2 आ जाएगा 1326, निकाल लीजिएगा, मैंने तरीका आप लोग को बता दिया अभी। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना में 78 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना में 78 आ जाएगा, 2 गुना में 78 बटे में 1326 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करके सॉर्ट कीजिए, तो इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो 2 बटे में 17 आ जाएगा, ये सॉल्व करके लिख लीजिएगा। मेरा काम क्या था कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बता देना कि एग्जाम में आप लोग का छूटे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट है 5%, 10%, 20% पे ये अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट किए जाते हैं कुछ पैसे।
इन 3 ईयर इफ द अमाउंट ऑफ द सम, मतलब है 3 साल में कितना हो जाता है ये पैसा, 16,632 रुपये हो जाता है। मतलब ये अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1+ में P इंटू में, नहीं E=, में P इंटू में 1+ में R/100^n होता है। तो अमाउंट कितना दिया, 16,632। कोई दिक्कत नहीं है, पी हम लोग को पता नहीं है, और यहाँ रेट यहाँ 3-3 बार दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, शुरुआत में 105 करेंगे, 100 में ऐड कर दीजिए सबको, उसके बाद दूसरी बार में क्या हो जाता है, 110 हो जाएगा, और तीसरी बार में क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में क्या हो जाता है, 20 होता है। अब इसको काटिए, जहाँ जहाँ कट जाता है वहाँ काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 21 बार में कटा, ये 20 बार में कटेगा, अब ये कटेगा नहीं, ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, जितना कटेगा उतना काटिएगा। अब यहाँ देखिएगा, 11 से 11 से काट सकते हैं इसको, 11 एकम 11, ठीक है, मैं काट के नीचे लिखता हूँ, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 दूना 512 होना चाहिए, ठीक है, 512 1512 होना चाहिए, ठीक है, 11 से हमने काटा। अब ये 21 से कटेगा क्या, डायरेक्ट काटे 21 से, नहीं 3 से काटते, 3 सते 3 सते 3 का 3 3 5 15 504। अब ये 7 से भी कटेगा, 7 का 7 7 सते 49 7 दूना, और ये 6 से कटेगा 12 बार में, मतलब कि यहाँ पे पी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12, और ये 20 गुना में 20 गुना में 5 गुना में 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे पी को सॉल्व करके, तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, मतलब 12000 कितना था, प्रिंसिपल था, 12000 क्या था, प्रिंसिपल था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने काफी आसानी से बना लिया, क्वेश्चन नंबर 14 को। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये अपस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विच इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लीजिए यहाँ पे वाई, मान लीजिए वाई का 500 से ज्यादा, 500% ज्यादा है, मतलब टोटल 100 में ऐड कर दीजिएगा तो 600%, वाई का 600% है, ये क्या दिया हुआ ना, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये कटेगा, मतलब 6 दिया, मतलब जो वाई का जो बहाव का स्पीड निकल जाएगा वो 3 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये चीज हमने लिख लिया। उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, उसके बाद देखिएगा विच इज, ये मैंने बता दिया पहला लाइन, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 3 आवर, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ देखिएगा डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव की दिशा में 3 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगा, तो x इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ, 18, x इज इक्वल टू में 18, y इक्वल टू में कितना निकाला, 3। मैंने बताया बहाव की दिशा में, पहले क्वेश्चन में बताया था कि x प्लस y करते हैं, मतलब 18 प्लस में 3 कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी निकल गया, मतलब ये क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अब डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी हो गया 21 गुना में कितना हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा, मतलब है 21 गुना में 3 हो जाएगा ना, 21 गुना में 3 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ 63 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 63 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 252, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी होता है, ब्रैकेट बंद, ए माइनस में बी होता है, ठीक है, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, 252 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 42, तो यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू में 42, तो यहाँ लिखिए 42 गुना में ए माइनस बी हो जाएगा, 42 गुना में ए माइनस बी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 252। अब यहाँ 21 का हो जाएगा, 21 का 21 21 दुना हो जाएगा, 21 का 21 21 से दुना 42 हो जाएगा, मतलब ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू में 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पूछा है, बी का वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, तो ए प्लस में बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस में बी दिया हुआ है 42, ठीक है, ए प्लस में बी कितना दिया हुआ है, 42 दिया है।
हमने सही किया है, देख लीजिएगा हमने सही किया है कि नहीं किया है सही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया a प्लस में माइनस में b निकाल लिया, और a प्लस में b कितना दिया था, a प्लस में b कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए तो दिया हुआ है a प्लस में b का वैल्यू दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कीजिए और a और b का वैल्यू निकालिए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 42, इन दोनों को ऐड कीजिएगा और 2 से भागा दीजिएगा, तो 42 प्लस में 6 48 बटे में 2, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 24 और b का वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को घटाइए 36 से 36 बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ 18 मतलब b इक्वल टू में कितना आ जाएगा 18। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग को इतना नहीं करना होगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम में बनाना है, अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा स्टेप से आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। यहाँ दिया गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए उस काम को ए और बी का कितना रेशियो दिया हुआ है, ए अनुपात बी जो काम करने का जो दिन लगाते हैं उनका रेशियो दिया है 5:3। मतलब यहाँ ए को मान लीजिए 5x मान लीजिए और बी को कितना मान लीजिए 3x मान लीजिए। ठीक है, ए को 5x मान लिए, बी को 3x मान लिए, तो आपको निकालना देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कितने दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 5x है, ए का वैल्यू दिया है 40, तो 40 के इक्वल कीजिए और इक्वल टू में 5x हो जाएगा क्योंकि ए का रेशियो में भी वैल्यू दिया हुआ है 5x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो x इज इक्वल टू में 8 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 8, और b इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू पुट कीजिएगा 8 तो 24 निकल जाएगा। a को लगता है 40 दिन, b को लगता है 24 दिन। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आपसे दोनों का एक साथ पूछा गया है तो 1/40 प्लस में 1/ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, भागा दीजिएगा 40 से प्लस में 24 से भागा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब 8 बटे में 120 आ जाएगा, काटिएगा तो ये 15 आ जाएगा, मतलब 1 बटे में 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे में 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा 1 बटे में 15, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटे में 15 मतलब कि क्या हो जाएगा, जो टोटल जो आंसर हो जाएगा 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन लगेंगे, ए और बी दोनों एक साथ मिल जाते हैं तभी ये काम 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। ए ट्रेन हैविंग स्पीड, मतलब एक ट्रेन की गति कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, क्या करता है ये ट्रेन, 18 सेकंड में एक खंभे को पार करता है, 18 सेकंड में एक पॉल को पार करता है और प्लेटफॉर्म को पार करता है 33 सेकंड में। मान लीजिए ट्रेन का लेंथ हम लोग को नहीं पता है, तो सबसे पहले ट्रेन का लेंथ निकालना होगा, तो बाकी सब तो मीटर में दिया है तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 72 गुना में क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा 4 बार में, मतलब ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि क्रॉस ए पॉल इन 18 सेकंड, मतलब एक पॉल को कितने सेकंड में पार करता है 18 सेकंड में, तो खंभे को पार करता है। ठीक है, तो यहां से हम ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं, ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेन का लेंथ जल्दी से निकाल लीजिए, तो यहाँ 20 हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है, वेलोसिटी 20 हो गया, और टाइम कितना लगता है एक खंभे को पार करने में, एक खंभे को पार करने में टाइम उसको लग जाता है 18 सेकंड, मतलब ये ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा 360 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म को मान लीजिए, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है उसको मान लीजिए x मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 ट्रेन का लेंथ हो जाएगा प्लस में ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा, तो ये हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम 360 प्लस में x हो गया, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ट्रेन का 20 दिया हुआ है, टाइम कितना लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये लगता है 33 सेकंड लगता है लिखा हुआ है। अब 360 प्लस में x हो जाएगा, अब यहाँ पे जो लिखेंगे 360 लिखेंगे इक्वल टू में, दिख रहा होगा आप लोग को इक्वल टू में 360 प्लस में x दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 360 को यहाँ ले जाकर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ निकल जाएगा 300 मीटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 300 मीटर निकल जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ।
तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज ए 66 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि द सर्कमफेरेंस, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज ए 66 दिया है, तो सी इक्वल टू में 66 दिया हुआ है, ठीक है। सी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा 66 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो सी इक्वल टू में क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 गुना में पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ये वैल्यू 66 दिया हुआ है, 22 दिया हो जाएगा, मतलब यहाँ से आर इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, आर इक्वल टू में 21/2 निकल जाएगा। तो ये रेडियस निकल जाएगा उस सर्कल का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ स्क्वायर, का एरिया निकालना, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए 2 टाइम्स ऑफ ए द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब 2r इक्वल टू में a, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर a मान लिए। अब यहाँ पे 2 गुना में r, मतलब यहाँ पे 2r नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से ये स्टेटमेंट को देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर एरिया स्क्वायर का निकालना, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब r के बारे में कहा जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब r इक्वल टू में 2 है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, r का तो वैल्यू हम लोग को पता है 21/2, r का वैल्यू कितना है 21/2, और 2a, मतलब यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा 21/4 निकल जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 21/4। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। बस यहाँ 21/4 लिख दीजिए, द होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 441/4 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बताना है, लगभग में बताना है, यहाँ आंसर लगभग में 28 आ जाएगा, ये 28 बार में 27 पॉइंट कुछ होगा, तो 28 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑप्शन नंबर ई। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20% एट 1020 रुपीज, ठीक है। तो पहले एमआरपी पर डिस्काउंट लगता है, ये हम लोग को पता है, और कितना लग जाएगा 20%, मतलब 100 में से घटाएंगे तो 80% हो जाएगा, उससे क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस, जो कि 1020 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद देखिएगा, इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ, यदि कहा जा रहा है कि यदि डिस्काउंट 199 रुपीज हो जाए इन प्लेस ऑफ 20%, इन प्लेस ऑफ 20% की जगह पे डिस्काउंट आपका 199 रुपीज हो जाए, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले एमआरपी निकालना, 10 से 10 कटेगा, 4 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 4 से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 51 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा, 51 गुना में 25 कीजिएगा, तो 51 गुना में 25 कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 51 गुना में 25 से कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए 51 गुना में 25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1275, आप गुना करके देख लीजिएगा ये कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया 1275। अब 199 रुपये डिस्काउंट है, तो 199 इसमें से घटा दीजिए, 1275 में से, सॉरी 199 घटाना है ना, 199 घटा देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1076। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 1076, डिस्काउंट एमआरपी में से घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो कौन सा आंसर है 1076, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन है और आसानी से भी हमने बना लिया, तो क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बन गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, पूछा गया द टोटल एज ऑफ ए बी सी 4 ईयर हेंस विल बी 98 ईयर, विल बी 98 ईयर, ये टोटल एज दिया हुआ है ए बी सी, मतलब तीनों का 4 साल के बाद का एज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 4 साल बाद 98 ईयर दिया हुआ है, तो 4 साल पहले, मतलब 4 साल बाद,
तो 4 साल पहले वर्तमान एज निकलेगा, तो वर्तमान एज कैसे निकालेंगे, तीनों के लिए 12 साल घटा देंगे, 4 साल इसका होगा, 4 साल इसका होगा, 4 साल इसका होगा, मतलब 12 साल, ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज हो गया, ए प्लस में बी प्लस में सी, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट एज है 86 वर्ष आ जाएगा, घटा के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 86 वर्ष आ गया ए प्लस में बी प्लस में सी। अब ये इक्वेशन काम आएगा। उसके बाद लिखा है फाइंड द एज ऑफ सी 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद सी का एज निकालना है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 32 साल और 23 साल प्लस में सी इक्वल टू में 86 साल। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 55 आ जाएगा। अब इस 55 को 86 में से घटा दीजिए, 55 माइनस में 86, तो सी का एज कितना हो जाएगा, 31 ईयर। बट सी का ये प्रेजेंट एज पूछा हुआ दिया हुआ है, तो प्रेजेंट एज पूछा नहीं है, तो सी का एज जो निकालना है वो कितना हो जाएगा, सी का एज हो जाएगा 4 साल के बाद है, 31 प्लस में 4, मतलब ये हो जाएगा 35 साल का है। सी कितने साल का है, 35 साल का। आंसर देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 35 साल कहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा 35 साल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी हमने काफी आसानी से बना लिया। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 22 में पूछा गया कि ए इन्वेस्ट 12,000 रुपए फॉर एक्स मंथ है, वाइल बी इन्वेस्ट 16,000 रुपए फॉर 9 मंथ है, तो आपको निकालना है द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 12,000 रुपए आउट ऑफ 21,000 रुपए, मतलब 21,000 में से बी को 12,000 रुपए मिलता है तो ए को 9,000 रुपए मिलेगा, देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 12,000 है यहाँ पे, तो 12 गुना में एक्स कीजिए, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, क्योंकि सबके पास 1,000 है यहाँ पे, और बी इन्वेस्ट करता है 16,000 9 मंथ के लिए, मतलब 16 गुना में 9 कर देंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ये रेशियो होता है प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल। अब प्रॉफिट ए का कितना, बी का 12,000 है, तो ए का 9,000 रुपए होगा, 21,000 में से टोटल प्रॉफिट में से 12,000 को घटा देंगे तो 9,000 रुपए, तो इसका भी 3 जीरो हटा ही लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि दोनों 1,000 में है। अब 3 से काटिए, 3 तिया हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौके हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 चौके हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौके हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा, और 4 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो मुझे लगता है कि x का वैल्यू कितना आना चाहिए, x का वैल्यू 9 मंथ आना चाहिए, x का वैल्यू कितना आएगा, 9 मंथ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया था 9 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने बना लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, पूछा गया है कि ए मिक्सर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर, मतलब अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, तो मिल्क बोला गया कि 60 है 100 में से, और वाटर 40 है, ठीक है ना, ये चीज बोला गया। आगे देखिएगा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन परसेंटेज इन मिक्सर रिवर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ए मिल्क एंड वाटर, मतलब उल्टा हो जाए, 60 का 40 हो जाए, 40 का 60 हो जाए, ऐसा कब होगा, तो 60 पानी ऐड करना होगा हम लोग को, एक्स परसेंट पानी ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नीचे 60 हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से 15 बार में कटेगा, अब कटेगा ये नहीं कटेगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा, इक्वल टू में 40 प्लस में x हो जाएगा, मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 50% ही, देखिए ऑप्शन में दिया होगा 50%, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने माना परसेंटेज में माना, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए एंड बी बोथ स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम, मतलब दोनों का इनकम का 30% दोनों खर्च करते हैं, विच इज इक्वल टू 26,400, वो 30% के इक्वल है। इफ ए इनकम इज 20% मोर देन बी देन फाइंड इनकम ऑफ बी, तो यहाँ पे देखिएगा ए इनकम इज 20% मोर देन बी, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मतलब 120% अगर ए का है तो 100 रुपये बी का हो जाएगा, ये काटिएगा तो ये निकल जाएगा 6/5 निकल जाएगा, जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 11x, उसका हो जाएगा 3, ये 6 5 11 होता है, तो 11x 30% उसका खर्च कर देंगे, और 26,400 रुपये जिसके इक्वल है ये। अब ये क्या होगा, कटेगा ये, मान लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये
33 से 11 से कटेगा कितने बार में, ये 24 बार में, 240 बार में, और 3 से 8 बार में कट जाएगा, मतलब x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये निकल गया, x इक्वल टू में 8,000। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, b इक्वल टू में 5x हो जाएगा, 5 गुना में 8 कीजिएगा, मतलब ये निकल जाएगा 40,000 निकल जाएगा, 40,000 b का इनकम हो जाएगा, मतलब 40,000 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो देख सकते हैं कितना आसानी से ऑप्शन, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 24 को बना लिया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि 12 जो फीमेल होती है एक काम को 64 दिन में पूरा करती है, तो देन फाइंड हाउ मेनी वोमेन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 2/3 वर्क ऑफ सेम वर्क इन 16 दिन। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, टाइम इंटू D1/Work1, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में करती है, मतलब कंप्लीट करती है, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कितनी महिलाएं होंगी, तो x महिलाएं होंगी, उस काम को कितने दिन में करना है, 16 दिन में करना है, तो 16 से गुना करेंगे, और कितना काम करती है, 2/3 काम करती है, तो ये हमने इक्वेट किया। अब यहाँ 16 चौके 64 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ 48 हो जाएगा, 48 इक्वल टू में 3x/2 हो जाएगा, ये 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 32 निकल जाएगा, x इक्वल टू में 32 है, मतलब 32 महिलाएं इसका 2/3 काम 16 दिन में करती है। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के बना लिए, और ऐसे ही कुल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे उन सभी को इस वीडियो में हमने देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल इससे भी आसान होगा, ईजी होगा, ठीक है, और टॉपिक आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक को मैंने कवर कराया, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बेसिक क्लास बनाया हुआ है रेलवे का, वो जाके अगर आप देख लेंगे तो आपका एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 के 10 बन जाएंगे, ठीक है, तो उनको भी आप देख लीजिए। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक को देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन दिया है तो उसको 5 मिनट में बनाइए, और 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 3 से 4 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम बचाएंगे तो आप अटेम्प्ट ज्यादा कर सकते हैं, मैथ्स में 35 में से 35 या ग्रामीण बैंक का एग्जाम देते हैं, RRB का एग्जाम देते हैं, तो 40 में से 40 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप सिंप्लीफिकेशन में कम से कम टाइम देते हैं तो। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा, स्क्वायर याद रखना होगा, स्क्वायर आपको कितना से कितना तक याद रखना होगा, 1 से 50 तक स्क्वायर याद रखना होगा, क्यूब आपको याद रखना होगा, क्यूब कहाँ से कहाँ तक याद रखना होगा, 1 से 30 तक है आपको क्यूब याद रखना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 280 लिखा हुआ है, 280 लिखा हुआ है, भागा को जब गुना में कीजिएगा तो 4/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4। जब भी भागा को गुना में चेंज किया जाता है तो वो क्या होता है, कोई भी नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट कीजिए, 8 से ये 35 बार में कटेगा, 8 से ये 35 बार में कटेगा, और इक्वल टू में क्या है, 170 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा ये 35 है तो क्या हो जाएगा, घटेगा, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो घटेगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 145, देखिए कहीं पे लिखा 145 है, तो 145 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 35 घटाइएगा तो 135 होगा, 135 होगा ना, 135, तो 135 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा रूट वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट आपको याद होगा तो डायरेक्ट बनाइएगा, नहीं तो आपको निकालने का टाइम नहीं है एग्जाम में। तो अगर देखिए रूट 144 का मान क्या होता है, 12 होता है, 12 होता है, प्लस में रूट 169 का कितना होता है, 13 होता है। अब ये दोनों ब्रैकेट में है, गुना में 3 करेंगे तो 25 गुना में 3 कितना होता है, 75 होता है,
25 गुना में 3 क्या होता है, 75 होता है। ये 75 क्या हो जाएगा, x बटे में 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 375 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 12 गुना में 5, तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ भागा को गुना में चेंज करने के लिए 1/4 में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ गुना में 8 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 बार में कटेगा, 15 8 120 होता है, बस यही पे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 120 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों हमने बना लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देखते हैं ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, 120% ऑफ 750, बस पहले इसी को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 120% ऑफ 750, तो यहाँ 120 बटे में 100 ऐसे लिख लीजिए, 120 बटे में 100 किसका, 750 का, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। और भागा का साइन है तो 1/ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स बटा में 1 लिखा हुआ था, रेसिप्रोकल किया जाता है जब भागे के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो इक्वल टू में 25 है, तो आमने सामने काटिए, 25 दिया मतलब एक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए तो कौन सा आंसर है, एक्स इज इक्वल टू में 36 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बना लिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए इस फ्रैक्शन को, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ क्या कीजिए, पहले नंबर पार्ट को लिखिए। तो नंबर पार्ट में क्या आपके पास दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, नंबर पार्ट में 8 दिया हुआ है, माइनस में 4 दिया हुआ है, प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के अगले साइड है, तो जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, तो +3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। तो 8 3 11 -4 मतलब 7 हो जाएगा। और फ्रैक्शन पार्ट देखिएगा, फ्रैक्शन पार्ट क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट 1/2 आ रहा है, 1/2, फिर -5/6, -5/6, और फिर 7/12 लिखा हुआ है, 7/12 लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से भागा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6 से भागा दीजिएगा तो 2 से गुना होगा 5, माइनस का 10 बन जाएगा, और 12 से भागा दीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, 1 से 7 गुना होगा तो ये बन जाएगा, 7 ही रह जाएगा। तो 6 7 13, 13 में से 10 जाएगा तो 3/12, काट कूट के कितना आ जाएगा, 1/4। अब यहाँ से देखिए 1/4, यहाँ से 7 आ गया, दोनों प्लस होगा तो 7 फ्रैक्शन 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर ई में ये चीज लिखा हुआ है। आपको इतना भी नहीं करना पड़ता, आप नंबर पार्ट को सॉल्व करते तो भी आपका आंसर आ ही जाता। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा 275 + 64% ऑफ 750। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 64% ऑफ 750 निकाल दीजिए, 64% ऑफ है 750, 1 0 से 1 0, 15 से 5 15 5 75, 5 से 2 ना, अब ये 32 हो जाएगा, 32 गुना में 15 कितना होता है, 480 होता है। अब इसमें क्या करना है, 275 को ऐड करना है, 275 को ऐड करेंगे तो 5 15 और ये 755 हो जाएगा। अब 755 में से 750 को घटा देंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। अब 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, 5 ऑप्शन नंबर ई में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ई में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस में रूट 81 प्लस में 12 का स्क्वायर, मतलब 225 किसका होता है, 15 का होता है, 81 का 9 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, बस इसको ऐड कर दीजिएगा तो 168 हो जाएगा, 168 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आसान मिलने वाले हैं। देखिएगा 510/ एक्स मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लीजिए, 510/ एक्स मान लीजिए, और √324 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, √324 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है 325/100 लिख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है तो पॉइंट का 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना हमने लिखा।
अब ये 18 को क्या कीजिएगा, ये 18 को पहले तो इसको सॉल्व करना होगा, तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमन लेके कुछ काटा जा सकता है, देखते हैं। 25 से काटते हैं, पहले छोटा बनाते हैं। 25 का 25, 25 का 25 से, 25 से कम 25 हो गया, 25 13 बार में शायद कटेगा, और 25 चौके ये हो जाएगा, 13 बार में कट गया ना। अब इसको सॉल्व करें, अगर 51 510 बटे में 51, और 13 चौके नहीं, 18 चौके 72 प्लस में 13, 72 प्लस में 18 चौके 72 प्लस में 13, मतलब 85/4 होना चाहिए, ठीक है ना, 85/4। अब 17 30 बार में, 17 5 85, 5 से 6 बार में, तो बहुत अच्छा। मतलब x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 6 गुना में 4, मतलब ये आ जाएगा 24। अब 24 देखिए किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगा अटपटा, बट कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान मिलेंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़े, बट इसके क्वेश्चन आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या लिखा हुआ है, 12.5% ऑफ 120। 12.5% मतलब 12, मतलब 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 125/10 है, और परसेंटेज का 100 नीचे आ गया, और ऑफ है 120 प्लस में एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे 120 प्लस में एक्स है, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कैंसिल आउट करके इसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए, 25 25 हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा, और कुछ तो नहीं है, 5 से 5 90 हो जाएगा, ठीक है, 5 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो 120 प्लस में एक्स हो जाएगा इक्वल टू में 36 हो जाएगा, ठीक है। ये किए, 120 प्लस में एक्स इक्वल टू में 36 आ जाएगा। अब ये 36 को क्या कीजिएगा, ये 36 को क्या करना है, 9 जगह 36 ही होगा, नहीं 40 होगा, यहाँ पे 10 से गुना होगा ना, 40 मतलब 360 हो जाएगा, 360 टोटल गुना करेंगे तो 360, क्योंकि 10 गुना में 4 40 होगा, और ये 9 से गुना करेंगे तो 360। अब 360 में से क्या कीजिए, 120 को घटाइएगा तो 240 आपका आंसर आएगा। तो देखिए, तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ 240, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 240। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने काफी आसानी से बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, देखिएगा क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 572/13, 572/13, ठीक है, कैंसिल आउट आसानी से होने वाला है, गुना में 12 ये लिखा हुआ है, पहले इसी को सॉल्व करते, तो 13 का 13 13 चौके 52, 13 चौके 52, 44 बार में कट गया। अब 44 से गुना में 12 कर ले क्या, करना तो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 8 के पावर में एक्स निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो 44 दहाई की 440 प्लस में 88, मतलब ये मुझे लगता है कि 588 ऐड करेंगे तो 528 हो जाएगा, 528 प्लस माइनस में 16, 528 माइनस में 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा, और 512 इक्वल टू में 8 के पावर में एक्स दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 8 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ 8 के पावर में एक्स दिया हुआ है, तो ये और ये कंपेयर, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसानी से हम लोग 10वें क्वेश्चन को बना लिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है एक्स परसेंट ऑफ है, जो भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो भी पॉइंट में दिया होगा उसको राउंड फिगर में लिखिएगा, एक्स परसेंट ऑफ है 52/84, तो उसको लिखिए 52/85, 52/85 ऑफ मतलब गुना 52/85 लिख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद भागा देना है 7 से, उसके बाद भागा देना है 7 से, 7 पॉइंट कुछ लिखा है तो भागा दे दीजिए 7 से। उसके बाद इसको पहले सॉल्व कीजिए, बाकी को बाद में देखेंगे, ठीक है ना, बाकी को बाद में देखेंगे। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं 7 से 7 से, काटना है इसको किसी भी तरह काटना है हम लोग को, या घटा भी लीजिए, 986 में से घटा लेंगे तो आमने सामने कैंसिल करने में बनेगा, 533 को घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4, मतलब कितना हो जाएगा, 453, 453 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से कटेगा, 7 सत 49 हो जाएगा, 7 सत 49 हो जाएगा, हासिल 3, 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, तो ये कट गया। अब 5 से काटिए, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से काटिए, 5 6 15 5 75 151 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 151 बार में ये कटेगा। उसके बाद अब एक कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो लगभग ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा,
मतलब x इज इक्वल टू, में देखिए कितने आसानी से हमने 60 ला दिया। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट को राउंड फिगर में कन्वर्ट कीजिएगा और आसानी से बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है 1041, तो 1041 को क्या लिखिए, 1042 लिख लीजिए, 1042 लिख लीजिए, प्लस में एक्स लिख लीजिए, प्लस में एक्स लिख लीजिए, लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा भागे में तीन, भागे में तीन दिया हुआ है, ठीक है, भागे में तीन दिया हुआ है, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 816/4, 816/4, चार से काटिए तो चार का चार, चार चौके 16, नहीं भी कटेगा तो भी काटना है, बट हालांकि ये कट जाएगा, चार का चार, चार चौके 16 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, 300 गुना करके घटा देना है केवल, तो 454 को 300 गुना कीजिएगा तो 1200, और 1200 और गुना कर ही लेते हैं, 454 गुना में 3, तो 4 3 12 हासिल 1, 3 5 15 16 हासिल 1 है, 12 1 13 1362 निकल जाएगा। अब इस 1362 में से 1042 को घटा लीजिएगा तो 0 2 और ये 3, मतलब 320 आपका सही आंसर होगा। अब 320 आपका ऑप्शन नंबर ई में लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन आसान है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमने बना लिया, अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि 69% ऑफ है 445, तो यहाँ पे या तो 69 को 70 में कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं तो 69 ही रहने दीजिए, 69% ऑफ 445, 445 यहाँ लिख लीजिए, पॉइंट में हम लोग को काम नहीं करना है, गुना में 14 पॉइंट है, मतलब 1/14 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है ना, 1/14 लिख लीजिए, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे जब भागे के साइन को गुना में चेंज करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 623, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 623, गुना में क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट करने का कोशिश कीजिए, तो ये 14 से कटेगा, 14 5 70 हो जाएगा, मान लीजिए 14 5 70 कट गया और ये 20 हो गया, ठीक है। अब 5 से ही काटिए, 5 चौके हो जाएगा, 5 से 5 का 5 5 8 हो जाएगा, 89 बार में ये कटेगा, ठीक है। 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, ये 9 7 63, मतलब मान लीजिए कि 9 7 63 हो गया, ये 7 बार में कटा, मतलब ये 28 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो जो भी आंसर 28 के आसपास होगा वही आपका सही होगा, 28 ही आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जेक्ट नहीं सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट में आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 114, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 114, ठीक है, यहाँ शायद प्लस ही करना है, केवल 24 गुना में 5 करना है, तो यहाँ देखिएगा 24 गुना में जो 5 है ना उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो -120 आ जाएगा, 24 गुना में 5 कीजिएगा तो -120 है, -120 को क्या करना है 114 में से घटाना है, तो 114 -120, मैंने डायरेक्ट किया 24 गुना में 5 है और इक्वल टू में 163 है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 आ जाएगा और ये -6 उस साइड जाएगा तो 163 में क्या होगा ऐड होगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 163 में ऐड होगा, तो ये बना देगा 169। अब वहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो देखिए तो सही आंसर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 768 भागा में 12 कर दीजिए 11.87 को, तो 768 भागा में 12 ये हमने लिखा, और यहाँ पे गुना में 257 का स्क्वायर रूट, मतलब उसको लिख लीजिए 16, ठीक है ना, और माइनस में 58.05, माइनस में 58 लिख लीजिए, तो हमने राउंड फिगर में इसको लिख दिया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 3 12 और 4 से ये कटेगा, 4 का 4 19 चौके 76 दो बार में, 3 से भी कट जाएगा, 3 का 3 64 बार में मुझे लगता है कि ये कटेगा, ठीक है। अब 16 गुना में 64 करना है, 16 गुना में 64 कितना हो जाएगा,
गुना में 64, 4 24 हासिल 2, 36 2 38, 384 यहाँ 64 है, 4 12 12 हासिल 1 है, 9 1 10, 10 से 24 आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि 10 से 24 होगा क्योंकि आंसर आपका 1000 में दिया हुआ है, तो 10 से 24 में से 58 को घटा दीजिएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 से 24 में से 58 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 966 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग घटा के देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि यही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 15 क्वेश्चन दोस्तों बना लिया। तो सिंप्लीफिकेशन में दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन, या फिर आपको क्वेश्चन को हार्ड करना होगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दिया जाएगा। तो 10 हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे, 5 हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चन देखे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेवल कैसा होता है, और इसी तरह का लेवल होता है बैंक क्लर्क के एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोस्तों हमने खत्म कर लिए।